ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं, ना लायक पढ़ना शिक्षा। कोई ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं, ना लायक पढ़ना शिक्षा। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हे गरज नाही हे ठेवून देखाल वरचीच फक्त ठेव हे राहू दे। ठीक है राहुल वेल सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके अरे ध्यान है कि नहीं है इधर बातें शाते मुलाकातें क्लास के चलो फटाफट ध्यान दो इधर तो एक लंबी सांस लो और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने है। तो इस बार क्या जीएसटी में 40 पार। ओके तो उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है तो चलिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले ओके तो आ जाइए यहां पे सबसे पहले चार्ट ओपन करो। हमने क्या देखा था सर बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं ध्यान मत देना नालायक पढ़ना चुपचाप ठीक है। तो चलो यहां पे सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सेस ठीक है। चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस
मेन पॉइंट्स यहाँ पे कि भाई नेचर क्या रहेगा, लेवी क्या होगी, बर्डन पास ऑन होगा, उसके बाद में प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव नेचर, एंड नेक्स्ट अगर हम कलेक्शन मैकेनिज्म, डिफिकल्ट एंड सिंपल, एंड लास्ट एग्जांपल्स, ऐसे कुछ हमने यहाँ पे डिस्कशन देखा था। उसके बाद में आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे चार्ट पे, चार्ट ओपन करके रखना। हमने देखा था आर्टिकल 265, अब कोई बात नहीं करेगा, दिस इज माई लास्ट इंटीमेशन, ठीक है। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ बनाने का पावर आर्टिकल 245 में दिया गया है, किसको दिया गया है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो इंडिया और स्टेट से रिलेटेड लॉ बना सकता है। याद आ रहा है ना चार्ट ये। उसके बाद में भाई कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा, तो वो दिया गया आर्टिकल 246 में। शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीएसटी आने के पहले एक्साइज का कलेक्शन सारे गुड्स का सेंट्रल के पास था, कस्टम्स का, सर्विस टैक्स का, और सीएसटी का लेवी सेंट्रल करता था। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, सीएसटी का लेवी सेंट्रल करता था, लेकिन रेवेन्यू किसके पास था, स्टेट के पास। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे और हाँ, स्टेट के पास भी एक्साइज था, पर लिमिटेड गुड्स पे था। कौन से लिमिटेड गुड्स पे एक्साइज था, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, और दूसरा सेल्स टैक्स का रेवेन्यू इनके पास था। ओके, और ऑप्ट्रा, लोकल बॉडी टैक्स, एंट्री टैक्स और कॉन्करेंट लिस्ट थी। लेकिन बाद में जीएसटी लाने की हमने डिसीजन लिया, और ओके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और स्पेशल आर्टिकल लाया गया, और वो आर्टिकल क्या, 246, क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है और दोनों की बहुत ही क्लियर डिमार्केटेड पावर्स है, बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है। और लिस्ट थ्री का हम यूज़ नहीं कर सकते थे जीएसटी लाने के लिए, क्योंकि लिस्ट थ्री में ये लिखा था कि भाई दोनों अलग अलग सेपरेट लॉ बनाएंगे, जबकि जीएसटी हमें कंबाइन मिलकर लॉ बनाना था। अरे याद आ रहा है क्या, मिलकर लॉ बनाना था, इसलिए हमें आर्टिकल में अमेंडमेंट करनी पड़ी, और जीएसटी की स्पेसिफिक एंट्री भी नहीं थी, इसलिए आर्टिकल 246 लाना पड़ा। और ये बिल जो था 122 यानी 122nd अमेंडमेंट प्रपोजल था, लेकिन वो एक्सेप्ट हुआ 101st, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे तीन मेजर आर्टिकल में अमेंडमेंट्स किया, फिर छोटी बड़ी अमेंडमेंट्स तो और हुई, लेकिन तीन मेजर आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया। एक तो आर्टिकल 246A जो है न्यूली इंट्रोड्यूस किया। आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस रिविजन फॉर यू नॉट फॉर मी, मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, अरे है ना, और बहुत बार रिवाइज भी कर दिया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 246A, तो आर्टिकल 246A के एम्पावर्स सेंटर एंड स्टेट बोथ साइमल्टेनियसली लेवी द क्या, जीएसटी, यानी पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट इंटर स्टेट पे यहाँ पे जो है सेंटर लॉ बनाएगा, कलेक्शन भी सेंटर करेगा, और कुछ ऐसे आइटम्स, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे आइटम्स जिसके ऊपर जीएसटी उस दिन से लगाया जाएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। चलो मेरे साथ रिवाइज करो, कौन से पांच आइटम्स है जिस पे जीएसटी अभी नहीं है, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब से बताओ कौन से पांच आइटम। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन, ठीक है। ये जो है जीएसटी तब से लगाया जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट वालों ने कहा था कि जो आईजीएसटी आप कलेक्ट करने करोगे वो आप हमारे साथ शेयर करोगे, उसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बनाओ। और ओके, आर्टिकल पास हुआ 269A। अब ये कि ये आर्टिकल क्या कहता है कि लेवी और कलेक्शन दोनों कौन करेगा, गवर्नमेंट, स्पेशली आईजीएसटी का। आई रिपीट, क्या, आईजीएसटी का। उसके बाद में वो अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 50-50 अपोर्शन किया जाएगा। अच्छा, कौन से स्टेट को मिलता है ये पैसा, बाय स्टेट को मिलता है। ओके, बाय स्टेट को मिलता है। एंड नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट भी इंटर स्टेट माना जाएगा। कल क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एक्सपोर्ट का क्या, एक्सपोर्ट तो आपने लिखा ही नहीं, जबकि आपने ये भी कहा था कि एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट बोला जाता है। अरे यस और नो,
तो इंटरस्टेट के 5 एक्टिविटीज देखी थी, बताओ कौन सी 5 एक्टिविटीज, थोड़ा लिंक हो जाओ फटाफट। एक देखा था LOS एंड POS, कमन कमन, मैंने क्या कहा, LOS एंड POS इन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूटीज, स्टेट और यूटीज, कुछ याद आया क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लायर दूसरे स्टेट में है, ओके, LOS एंड POS, तीसरा इंपोर्ट था और सॉरी फोर्थ इंपोर्ट था और फिफ्थ क्या, एक्सपोर्ट। तो सर इंपोर्ट तो आपने यहाँ बता दिया और बाकी तो ठीक है, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूटी, यूटी टू यूटी, ये भी समझ गया, पर एक्सपोर्ट कहीं लिखा नहीं है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये थ्रू सेक्शन है, आगे जब सेक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, एंड देन इट शैल नॉट बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने यहां देखे थे 269A तक, यस। अब आगे आते हैं बेटा आर्टिकल 366 में, ओके, तो आप नोट्स में पेज नंबर 14 होगा आसपास देख लो, ओके, नोट्स में पेज नंबर 14 के आसपास आ जाओ, ठीक है। और यहां पे आर्टिकल, इसमें कुछ डेफिनेशन है और सबसे पहले तो जीएसटी का, तो यहां जो स्पेस है आपके पास उसमें लिखो क्लॉज 12A, आर्टिकल 366 क्लॉज 12A, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चल, तो यहां पे ये जीएसटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है, और ये जीएसटी की डेफिनेशन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि इंडिया में जितने भी लॉज हो गए, और कहीं पे भी वर्ड जीएसटी आता है, जीएसटी लॉ में तो आता ही है, पर इनकम टैक्स में अगर जीएसटी वर्ड आया या कोई दूसरे लॉ में जीएसटी वर्ड आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जीएसटी वर्ड आया, अब कहीं पे भी जीएसटी वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही लिया जाएगा, बिकॉज दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन जीएसटी की क्या है, ओके, तो जीएसटी की डेफिनेशन यहां पे इस तरह से लिखो, मींस, जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, गुड्स और सर्विसेस और बोथ। चलो आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा, जीएसटी जो लगाया जा रहा है वो सेल पे नहीं है, वो मैन्युफैक्चर पे नहीं है, वो सर्विस पे नहीं है, उसके लिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सप्लाई। उन्होंने एक वर्ड ढूंढ के निकाला, एंड दैट इज सप्लाई। अब आपका एक सवाल होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ बिजनेस है, ओके, तो हम तो सेल करते हैं, सप्लाई तो नहीं कर रहे, जबकि जीएसटी की लीवी सप्लाई पे है। तो सप्लाई के लिए आपका लगभग यहाँ पे 9 लेक्चर्स हो गए एक ही वर्ड को समझने के लिए, कौन से वर्ड को समझने के लिए, सप्लाई, और चैप्टर नंबर 3 जो है पूरा एक ही वर्ड पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो डोंट वरी, 9 लेक्चर्स में तो बच्चा भी बोलेगा समझ गया, अरे आया ना, तो सप्लाई, तो ध्यान रहे कि ये जो जीएसटी का टैक्स लगाया जा रहा है वो सप्लाई पे है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा, बोथ, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट गुड्स और सर्विस के कंबाइन होते हैं, ओके, जिसको कभी आपने ये वर्ड सुना है, टर्न की प्रोजेक्ट, अच्छा टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की नहीं सुना है, अच्छा कभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहाँ सुना, कोई बताएगा, नहीं सुना है, ओके, बहुत सी बार कैसा होता है
जैसे कॉन्ट्रैक्ट गुड्स भी मेरा, सर्विस भी मेरी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, फिर मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक देख रहे हैं जीएसटी का, फाउंडेशन बना रहे हैं जीएसटी का। ओके, एक्ट तो हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि घर पे आपने मम्मी को देखा होगा, पेरेंट्स को देखा होगा कि सभी लोग किचन में एक वार्डरोब बनाना है, तो किचन में एक वार्डरोब बनाना है, ओवरहेड वार्डरोब बनाना है। तो ओवरहेड वार्डरोब बनाना है तो आप जो है कारपेंटर को बुला रहे हैं, और कारपेंटर को बुला के ये कह रहे हैं कि भाई ये ओवरहेड वार्डरोब बनाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं बना के दूंगा। ओके, इसमें जो है प्लाई इतना लगेगा, फेविकॉल इतना लगेगा, नेल्स इतना लगेगा। तो बहुत सी बार आपने देखा होगा कि घर में हम ये कहते हैं कि देख भाई तू ये मत बता कितना प्लाई लगेगा, कितना फेविकॉल लगेगा, तेरा ही गुड्स और तेरी ही सर्विस। आई रिपीट द वर्ड, क्या? तेरा ही गुड्स और तेरी ही सर्विस। लमसम बताइए वर्क का कितना होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया, लमसम बताइए वर्क का कितना होगा। तो बहुत सी बार आपके कॉन्ट्रैक्ट ना गुड्स के होते हैं ना सर्विस के, बोथ होते हैं। आई रिपीट, बोथ होते हैं, गुड्स एंड सर्विस। तो उस पर भी जीएसटी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते अरे ये गुड्स का थोड़ी था, ये सर्विस का थोड़ी था, ये तो कंबाइन था, कंबाइन था तो भी जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, ये जीएसटी का डेफिनेशन दिया है। लेकिन आगे अगर आप देखते हो नोट्स में, ओके, नोट्स में आते हो और आगे देखते हो तो 12A में एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट रेड पेन से लिखना, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, सिम कार्ड का एग्जांपल भी मैंने केस लिया था क्या, बीएसएनएल का सिम कार्ड। ओके, ये गुड्स है या सर्विस है? नहीं, वो तो एक डिसीजन हो रहा था कि गुड्स है या सर्विस। मैं तो बोल रहा हूं कि ऐसे कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें गुड्स भी होता है और सर्विस भी होती है, ठीक है, कंबाइन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक्सेप्ट अगर आप वहां पढ़ते हो तो लिखो टैक्सेस, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई, ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। इंडिया में सारे गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है या टैक्स लगाया जाएगा उसे जीएसटी कहा जाएगा, एक्सेप्ट एक गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, और वो है, हाईलाइट करो हाईलाइट करो, वो है कौन सा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, अब अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सिंपल वे में कहो तो वाइन, वोडका, हाँ क्या, हाँ नालायक में लेता नहीं, वो नाम पता है थोड़े थोड़े, तो जो एक ह्यूमन कंज्यूम करता है, आई रिपीट, जो एक ह्यूमन कंज्यूम करता है उसको यहां पे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोला है। अब देखो यहां इन्होंने ये क्लॉज क्यों लाया, इसका क्लॉज का जो राज है वो ऊपर है, पर इसी चार्ट में है, इसी चार्ट में। मुझे बताओ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एक्साइज लगाने का पावर किसके पास था? चार्ट देख रहे हो, स्टेट के पास था। ओके, अब इंडिया में जितना भी अल्कोहल बन रहा था उस पर एक्साइज लगाने का पावर भी स्टेट के पास था और सेल्स टैक्स लगाने का पावर भी स्टेट के पास था। यानी अल्कोहल पर कोई रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था, समझ में आया, क्योंकि सेंट्रल को सारे एक्साइज अदर देन अल्कोहल, सर्विस टैक्स, कस्टम्स। तो इन शॉर्ट, ओके, एक्साइज जो है अल्कोहल की एक्साइज स्टेट कलेक्ट करेगा और सेल्स टैक्स भी कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट कलेक्ट करेगा। तो अल्कोहल का पूरा टैक्स स्टेट वालों को जा रहा था। तो यहां पे जब भी कोई अल्कोहल पी रहा है तो यहां स्टेट वाले बड़े एंजॉय कर रहे हैं कि पी 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 टैक्स मिलेगा, अरे है ना, और सेंट्रल वाले देख रहे कुछ नहीं मिल रहा है यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, और स्टेट वालों ने कहा कि आपने सर्विस टैक्स लिया था, हमने कुछ बोला था क्या? न्याय। आपने अगर वो कस्टम्स लिया, हमने कुछ बोला क्या? न्याय। आपने सारे एक्साइज ले लिए एक्सेप्ट दिस, हमने कुछ बोला क्या? न्याय।
सेंट्रल वालों का हाँ बट लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो अब क्या हुआ कि जब जीएसटी लाना था तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर सुबह 10:30 बजे आए, अरे है ना, रेडी वेडी होके आए, ओके यहाँ पे और यहाँ पे चेयरपर्सन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चांस उठाया ये मीटिंग में और कहा कि आई प्रपोज टू ब्रिंग अल्कोहल अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब सेंट्रल वालों ने, मुझे याद है ये डिस्कशन हुआ था कि भाई अल्कोहल को जीएसटी में लाते, तो भाई जीएसटी में लाने का फायदा क्या था कि जैसे ही अल्कोहल जीएसटी में आता है और यहां से निकाल देंगे, अरे है ना, जीएसटी में आता है तो आधा तेरा आधा मेरा, तो जो अभी तक मिल नहीं रहा था किसको, सेंट्रल वालों को मिल ही नहीं रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना एक्साइज ना सेल्स टैक्स, सेंट्रल वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे जब जीएसटी की मीटिंग होती थी तो ये रखा कि अल्कोहल को हम लाएंगे भाई, ओके जीएसटी में लाएंगे, ओके अकेले अकेले हम भी लेंगे, अरे है ना हम भी लेंगे। तो अब यहां पे सारे स्टेट वालों ने कहा खबरदार अल्कोहल को लाया तो, अरे है ना, अल्कोहल हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा, हम भी लेते थे हम भी लेते हैं और लेते रहेंगे, नालायक टैक्स, अरे सो जाएगा। तो भाई अल्कोहल का हाथ नहीं लगाओ क्या, ओके अल्कोहल का रेवेन्यू हमारा ही रहेगा। सेंट्रल वालों का अरे लेकिन बट नो बट शैट ओनली कट टू कट, अरे नहीं तो जा हम मीटिंग में नहीं बैठते, गया तुम्हारा जीएसटी, ओके। तो ऐसे केस में जहां तक है एट लास्ट सेंट्रल ने माना कि ठीक है नहीं लाते अल्कोहल, लो तुम तुम्हारा जो एक्साइज है और तुम्हारा जो क्या सेल्स टैक्स है वो ले लो, जाने तो नहीं लाते, ओके। तो फिर स्टेट वालों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में लिख कर दो कि अल्कोहल को कभी फ्यूचर में नहीं लाओगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, अरे आया ना। सेंट्रल वालों का पर लिखने की क्या जरूरत, बोल दिया ना, जवान पे विश्वास रखो ना यार, अरे है ना लिख के दो। तो फिर डेफिनेशन ऐसी बनाई कि सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी आएगा, डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी स्टेट का इस पे जीएसटी नहीं आएगा और पुराने टैक्सेस रहेगा, कौन से पुराने टैक्सेस, एक्साइज और वैट जीएसटी, ये स्टेट के ही रहेंगे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं रहेंगे, ओके। तब जाके स्टेट खुश हुआ कि ठीक है तो हमारे रेवेन्यू को तुमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और माइक प्लीज, ये भी 5 आइटम्स जीएसटी में नहीं है, अरे स्क्रीन की तरफ तो देखो नालायक, क्या बुक में देख रहे हो, ओके इधर देखो, ये भी 5 आइटम जीएसटी में नहीं है और ये भी, ओके अल्कोहल जीएसटी में नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, माइक देना, हाँ मैं उधर भी आऊंगा बेटा, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या, अल्कोहलिक लिकर पे इन फ्यूचर कभी भी टैक्स नहीं लगा सकते हो जीएसटी का, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री अमेंड नहीं होगी, मतलब वो 2/3 वोटिंग चाहिए इन लोकसभा एंड राज्यसभा, अरे है ना अल्कोहल को लाना रहा तो, हाँ और बाकी, और बाकी ये जो 5 चीजें जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेंगी तब उस पे जीएसटी लग जाएंगे, मतलब ये गुड्स पे जैसे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा इमीडिएट जीएसटी लगा दिया जाएगा, पर ये गुड्स पे अगर जीएसटी लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, अरे आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, ओके। तो वैसे अब बताओ कितने आइटम्स हुए जहां फिलहाल जीएसटी नहीं है, 6 आइटम्स हुए, एक और ऐड होगा बाद में, अभी तो 6 हो गए, अरे यस और नो, तो टोटल 7 कैटेगरी रहेगी। तो ये 6 आइटम्स को कहा जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ क्या, जीएसटी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसी चार्ट में यहां पे बॉक्स करके लिखो, फिर से एक बार और फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इसी चार्ट में, चार्ट बुक है ना वो तुम लिख रहे हो ना, तो यहां पे जो भी स्पेस है बॉक्स करके लिखो, एम्फसाइज करके, ओके लिखो नॉन टैक्सेबल सप्लाई
नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अच्छा, फॉर जीएसटी बताओ, शायद मैंने लिखा के दिया होगा, पर ठीक है फिर से लिख लेते हैं. नॉन टैक्सेबल सप्लाई फॉर जीएसटी, बताओ कौन, कितने सप्लाई अभी फिलहाल है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई फॉर जीएसटी? 6. और एक के लिए ब्लैंक रखना जो मैं बाद में ऐड करूंगा. अरे यस और नो? तो पहला कौन सा लिखते जाओ, ये 5 आइटम फिर से लिखो, मैं ये रट्टा मरवाऊंगा आपसे, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला लिखो पेट्रोलियम क्रूड, लिखते जाओ. सेकंड हाई स्पीड डीजल. थर्ड क्या? मोटर स्पिरिट. फोर्थ क्या बेटा? नेचुरल गैस. फिफ्थ क्या था? एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. एविएशन टर्बाइन फ्यूल. और सिक्स लिखो कौन सा? हाँ, पूरा लिखना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पूरा लिखना. ठीक है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई फॉर जीएसटी माने जाएंगे. क्लियर? तो चलिए अब आते हैं यहां पे आगे के डेफिनेशन में. सर्विस, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये थोड़ा बाद में देखते हैं. ये तो हो गया मीन्स क्या और एक्सेप्ट क्या. ओके, यहां पे जीएसटी का डेफिनेशन हो गया. थोड़ा मैं इस पार्ट पे आता हूं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. मुझे बताओ जीएसटी में स्टेट किसको माना जाएगा? विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A, etc. आर्टिकल 279 इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ क्या बेटा? विथ स्टेट लेजिस्लेचर. शायद मैंने बताया था आपको कि सारी यूटीज ही है. आई रिपीट, महाराष्ट्र भी यूटी है, पर जो यूटी में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है, उसे स्टेट माना जाएगा फॉर जीएसटी. चलिए अब ये वाला चार्ट जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्लोज कर दो. अब नया चार्ट स्टार्ट होगा. ठीक है, ये वाला चार्ट थोड़ा स्पेस छोड़ के क्लोज कर दो. अब न्यू चार्ट स्टार्ट होगा. हाँ, अब थोड़ा अब यहां पे ये छोटा सा सिंगल पेज वर्टिकल पेज. आई रिपीट, सिंगल पेज एंड वर्टिकल पेज. यहां एक सिंगल और वर्टिकल. पहले इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाओगे. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द बैचेस व्हाट यू हैव टेकन फॉर सीए इंटर एंड सीएमए इंटर. ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट. सिर्फ इनिशियल स्टेज पे थोड़ा दिक्कत जाएगा और मैं भी स्लो चल रहा हूं. नाउ इंडिया, अब मैं ये चार्ट को समझ लो, फिर आपको ड्रॉ करना है. सारे स्टेट यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, ये समझ में आया क्या? लेकिन जो स्टेट में क्या है बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर है. उस स्टेट को क्या बोला जाता है? स्टेट्स. ऐसे कितने स्टेट है? 28 स्टेट. जो यूटी में, आई रिपीट, जो यूटी में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है उसको क्या बोला जाता है? यूटी. तो यहां पे 5. और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फटाफट बाद में चार्ट बना लेंगे. कुछ ऐसे यहां पे यूटीज है, सुनना, कुछ ऐसे यूटीज है जहां पार्टली स्टेट है और पार्टली यूटी है. अब पार्टली स्टेट और पार्टली यूटी मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. ऐसे 3 यूटीज है. कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी यानी पौंडेचेरी,
ओके दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जिसमें दोनों एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कुछ पावर जैसे दिल्ली में एजुकेशन का पावर स्टेट के पास है अरे है ना बहुत सा एडमिनिस्ट्रेशन का पावर स्टेट के पास है पर सिक्योरिटी और पुलिस का पावर सेंट्रल के पास है आपको पता है क्या तो ऐसे पावर डिवाइडेड है एक ही स्टेट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं महाराष्ट्र में पुलिस रहेगा महाराष्ट्र की सिक्योरिटी रहेगी और महाराष्ट्र का सारा लॉस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ही रहेगा ये समझ में आया क्या पर दिल्ली में नहीं दिल्ली में डिवाइडेड पावर्स है ओके जहां गवर्नर कुछ पावर हैंडल करता है तो ऐसे केस में तीन ऐसे स्टेट यूटीज है दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीरी जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है पर पार्टली है आई रिपीट स्टेट लेजिस्लेचर है बट तो मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे अब सवाल आता है फिर जीएसटी में इनको यूटी बोलेंगे या स्टेट बोलेंगे तो जीएसटी लॉ ये कहता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फॉर जीएसटी पर्पस आई रिपीट द वर्ड फॉर ये तीन को स्टेट बोला जाएगा ये तीन को क्या स्टेट बोला जाएगा मतलब यहां पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो क्या सीजीएसटी और इंट्रा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी ने लगेगा एसजीएसटी लगेगा ओके और ये तीन लर्न करना पड़ेगा कौन से तीन एक बार फिर से हो जाए दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर इवन तो ये पार्टली यूटी है पर जीएसटी के लिए स्टेट ही बोला जाएगा चलो ये चार्ट बना लो इंडिया यहां पे यूटी यूनियन टेरिटरीज पहले टाइटल दो इंडिया फिर टाइटल दो यूनियन टेरिटरीज उसके बाद में यहां पे लिखो यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज विधानसभा तो उसको क्या बोला जाएगा स्टेट्स और ऐसे कितने स्टेट्स है बेटा 28 नहीं स्टेट 28 है ठीक है 28 स्टेट्स अच्छा तो यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो कौन सा टैक्स लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है चलो लिखो फटाफट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ओके स्पीड मेरे साथ होनी चाहिए आपकी सर आई स्कोर एग्जम्पशन इन टैक्सेशन थैंक यू सो मच हिमांशु वेरी गुड बेटा हिमांशु एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीए फाइनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्टी हिमांशु देगा ना मेरे को हाँ तो यहाँ पे डन अब एक मिनट ओके यूटी विथ नो स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे पांच यूटीज है वहां अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो क्या लगेगा बेटा हाँ सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी 50-50 और अब थर्ड वाले में यूटी भी है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है मतलब कुछ पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर सेंट्रल के पास है दोनों के पास है जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट भी है पर कुछ लिमिटेड पावर्स के लिए तो यूटी पर प्लस स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें लिख देना दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ये तीन यूटीज को जीएसटी लॉ के लिए स्टेट माना जाएगा तो बताओ दिल्ली में जाओगे कुछ खरीदोगे तो यूटी जीएसटी लगेगी या एसजीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा पांडिचेरी में जाओगे तो एसजीएसटी लगेगा जम्मू एंड कश्मीर में कभी घूमने गए और वहां शॉप से कुछ खरीदा तो आपको यूटी जीएसटी नहीं लगने वाला क्या एसजीएसटी लगने वाला ठीक है तो चलो
यहां पे ये देखा हमने रिगार्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स. कौन सा एग्जम्पशन? एग्जम्पशन तो पढ़ा ही नहीं मैंने. डन, ड्रॉ कर लिया आप सभी ने. चलिए अब ये एक चार्ट हमने यहां पे देखा था. तो एक बार फिर से तो टोटल बताओ कितने स्टेट्स हुए अब? हाँ, 28 प्लस दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर, यानी कितने हो गए? 31 स्टेट्स हुए. ओके, 31 स्टेट्स हो गए जहां जीएसटी लॉ एसजीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा. और यूनियन टेरिटरीज, कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 5, अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, ये एक ही यूटी होगी अब. दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली एंड लद्दाख और क्या चंडीगढ़. एक मिनट, लद्दाख यूटी में है और जम्मू एंड कश्मीर पार्टली यूटी में है. समझ में आया क्या? पार्टली यूटी में है. तो ऐसी 5 यूटीज हमारी यहां पे हो गई जहां यूटी जीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा. डन. अब बेटा इसके बाद का जो चार्ट है, चार्ट रेडी रखना, मेरा क्लास बिना चार्ट का होगा ही नहीं और बिना आंसर प्रेजेंटेशन का होगा ही नहीं. क्वेश्चंस तो आगे चालू हो गए. ओके, आपसे प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट करवा लूंगा कि जीएसटी में इस बार ठीक है. तो जहां तक देखा जाए, अब मैं जो यहां पे चार्ट बनाने वाला हूं, इन्हीं पहले डिस्कशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको समझा लेकिन कहीं और लैपिंग हो रही है कॉन्सेप्ट की, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है. कुछ स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है समझ गया लेकिन याद कैसे रखूंगा. कुछ स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है समझ गया पर हजम नहीं हो रहा. अरे आया ना. और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि समझा ही नहीं. तो बेटा रुक जाना, बाद में और समझा दूंगा. ओके, तो यहां अब मैं टोबैको प्रोडक्ट्स यहां पे लेना चाहूंगा. पहला, मैं पहले जस्ट रीडिंग कर रहा हूं, बाद में चार्ट ड्रॉ करेंगे. पहले रीडिंग, अगर टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स है तो टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ क्या? जीएसटी. यानी टोबैको पे जीएसटी लगता है और वो भी 28% का. बताओ क्यों 28% का जीएसटी लगाया होगा टोबैको पे? कोई ये बेसिक नेसेसिटी तो है नहीं. या टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट बेसिक नेसेसिटी तो है नहीं. अरे है ना, ना मॉडरेट गुड्स है. ये जो है डीमेरिट गुड्स है. करेक्ट, ये डीमेरिट गुड्स है जिसका कंजम्पशन हमें डोमिनेट करना है. तो उसके ऊपर जीएसटी तो 28% है. लेकिन आगे देखो क्या है. हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. कुछ वर्ड्स को समझ लो. जीएसटी तो टोबैको पे लगेगा ही. अब थोड़ा उसको हम ऐसा अरेंज करते हैं, अभी तक के 6 आइटम्स, कौन से 6 आइटम? 5+1. अरे है ना, ये 6 आइटम छोड़ के, कैसे याद रखना, ये 6 आइटम छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी है. ओके, तो कौन से 6 आइटम? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. पहले तो दिमाग में फिट कर लो यार कि ये 6 छोड़ के सब पे जीएसटी. ओके, तो अब टोबैको प्रोडक्ट पे तो जीएसटी तो था ही. लेकिन सेंट्रल वालों ने एक प्रपोजल दिया जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग चल रही थी कि देखो, आपने अल्कोहल का पूरा टैक्स रखा, जीएसटी में उसको लाया नहीं, हमारे साथ 50-50 किया नहीं, चलो कोई बात नहीं. लेकिन टोबैको जो है, टोबैको जीएसटी भी लगाएंगे प्लस हमको भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए. तुमने अल्कोहल का रखा ना, तो हम भी टोबैको का रखते हैं. अरे हाँ ना, हम भी थोड़ा क्या टोबैको का रखते हैं, या हम भी, क्योंकि वो भी तो कमाने वाला आइटम है. तो यहां पे स्टेट वाले मान गए, ठीक है, मतलब इन एडिशन टू जीएसटी, आई रिपीट द वर्ड, क्या इन एडिशन टू जीएसटी टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है? एक्साइज भी लगता है. यानी टोबैको पे एक्साइज भी लगाया प्लस जीएसटी भी लगाया. जीएसटी 28% से लगाया. ओके, यानी इतना टैक्स बर्डन है. और बाद में गवर्नमेंट कहती है पीओ. ओके, पीओ पी जो, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट इसका क्लियर ऑब्जेक्ट है, गवर्नमेंट इसका कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहती है.
by putting heavy taxes. नहीं 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 वो नहीं मालूम. ओके तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है. आई रिपीट, ओके इनडायरेक्ट टैक्स है. बर्डन पास ऑन, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूस करे. तो ऐसे केस में यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज भी लगा रही है. ये एक्साइज को ऐसा बादल करो, ओके बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए. एक्साइज भी लग रही है. रिजल्टेंटली टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. हाँ, टोबैको सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज क्या, सेंट्रल एक्साइज. ओके तो टोबैको सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज एक्साइज दोनों भी लगेगा. चलो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं. समझ लो एक टोबैको कंपनी, वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, रियल में कंपनी है, या आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी. वो बात अलग है कि आईटीसी आशीर्वाद आटा भी बनाती है. अरे है ना, आशीर्वाद आटा भी बनाती है. तो ओके एग्जांपल लेते हैं कि वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी, अब इसने सिगरेट बनाई या टोबैको प्रोडक्ट्स बनाए, टोबैको प्रोडक्ट्स गुटखा, अरे है ना, या टोबैको होगा, गाय छाप होगा, ओके गोवा होगा, तो वॉट एवर इट में भी बस. तो अब समझ लो ये सिगरेट बनी, मैन्युफैक्चर हुई, चुप नालायक. हाँ तो ये सिगरेट बनी. अब सिगरेट बनने के बाद इसका जब ओके ट्रक आया, कस्टमर को डिलीवरी दी जा रही है, एक होलसेलर है जो खरीद रहा है और ये कस्टमर को डिलीवरी, कुछ भी लिखना मत, कुछ भी लिखना मत जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है. बॉक्सेस पैक हुए, डिलीवरी दी जा रही है और ये जो है ट्रक यहाँ पे आगे जा रहा है डिलीवरी लेके कस्टमर तक. अरे है ना, लेकिन ये ट्रक को थोड़ा पीछे लाता हूं. तो अब यहाँ पे ये ट्रक जो है ये यहाँ इसका रिमूवल के वक्त, जब गुड्स रिमूव हो रहा है, कुछ भी लिखना मत, ओके जब गुड्स रिमूव हो रहा है तो इसका बनता है टैक्स क्या, इनवॉइस. हाँ इनवॉइस रिमूवल पर ही बनाना पड़ता है. ओके क्यों, क्योंकि रास्ते में अगर ट्रक पकड़ा गया कि किसका माल है, चल बता ओके किसका माल है, कौन है सेलर इसका, तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. अरे है ना, तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस बन रहा है. भाई साहब टैक्स इनवॉइस कैसे बन रहा है, क्लिक करो इसके ऊपर, क्लिक कर दिया. क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया इनवॉइस का फॉर्मेट. अरे है ना, तो ये हो गया, हमने क्लिक कर दिया, ये हो गया, वो इनवॉइस बन रहा है. ओके कौन सा प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट्स. अरे है ना, तो सेलर, सेलर कंपनी कौन सी थी, वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड. अरे है ना, उसका दे दिया हमने क्या, एड्रेस. ओके जीएसटीएन नंबर है उसका, क्योंकि टोबैको जीएसटी के परव्यू में है. अरे है ना, तो उसका जीएसटी नंबर है, ईमेल है, फोन नंबर है. बायर कौन, तो बायर होलसेलर जो भी होगा, ठीक है. सर क्या लिखा है समझ लो, होलसेलर. उसके बाद में पार्टी नेम जो भी है, उसके बाद में एड्रेस दे दिया. हो सकता है जीएसटी नंबर हो सकता है ना, पर होलसेलर तो होगा ही, बी टू बी है. अरे आया ना, ओके जीएसटी नंबर है और ईमेल आईडी, ठीक है. ये सारा दे दिया, इनवॉइस नंबर, डेट, ड्यू डेट, डेस्टिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आया ना, क्योंकि इससे जन्म होता है इंट्रा इंटर. समझ में आया क्या, जो भी डेस्टिनेशन है समझ लो ये वजीर सुल्तान महाराष्ट्र का है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र में ही है. ओके दोनों महाराष्ट्र में है तो क्या हुआ, इंट्रा हुआ, डन 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 डन. ओके चलो बाकी जो भी दिखना है, ईवे बिल, हाँ ये ध्यान रखना, ईवे बिल कभी नाम सुना है, ईवे बिल, ओके बताओगा बहुत अच्छे से बताओगा. तो इसका ईवे बिल भी बन गया. उसके बाद में व्हीकल नंबर, इंपोर्टर, ब्ला ब्ला ब्ला. नीचे जो है आइटम डिस्क्रिप्शन, ओके और ये आइटम डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे सिगरेट, अरे है ना, जो किससे बनी है, टोबैको से. ओके एचएसएन नंबर दे दिया उसका, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और यहाँ पे अमाउंट कितना बेटा, 1 लाख. अब बेटा अब बिल बनते वक्त इस 1 लाख पे पहले तो एक्साइज भी लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो क्या से बताओ, टोबैको पे सिर्फ जीएसटी है या एक्साइज भी है, और एक्साइज ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर. अरे है ना, वजीर सुल्तान ने डायरेक्ट ट्रेड किया कि प्रोडक्शन करके बेचा, प्रोडक्शन करके बेचा, तो वजीर सुल्तान पे एक्साइज भी लगेगा. ओके वजीर सुल्तान पे एक्साइज मतलब क्या, टोटल हुई क्या, कितनी हुई बेटा टोटल, 1 लाख. इस पे हम क्या लगाए गए, सेंट्रल एक्साइज. सेंट्रल एक्साइज का रेट अज्यूम करते हैं यहां पे 10%, कितना 10%, तो कितना लग गया 10,000. ओके ये 10,000 टोटल कितनी हुई,
टोटल कितनी हुई? 1,10,000। अब ये 1,10,000 पे लगेगा जीएसटी, 110 पे लगेगा जीएसटी, रिटेक 110 पे लगेगा जीएसटी, 1 पे नहीं, 1,10,000। तो जीएसटी, अच्छा जीएसटी टोबैको पे, सिगरेट पे क्या रेट है? 14 14 14 एंड 14, क्योंकि ये इंट्रा था, कम ऑन, क्या ये इंट्रा था, तो क्या 14 14, कितना रहा 110 का 14? हाँ, 15,400 and 15,400। ये समझा या नहीं समझा? समझ में आया? ओके, और इस तरह से ये बिल कस्टमर को दे दिया जाएगा, पैसा ले लिया जाएगा, एंड बर्डन पास विद एक्साइज विद जीएसटी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये उसका बिल बना जो हमने जूम करके देखा। ओके, यहाँ बनेगा उसका क्या बेटा? टैक्स इनवॉइस। और ये जो बिल है ये ट्रक के साथ रहेगा, और बिल के साथ ट्रक जो है ये अब आगे बिल के साथ बढ़ेगा। ये समझ में आया क्या? तो ये टैक्स इनवॉइस के साथ आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल, द कॉन्सेप्ट इज ओवर। ओके, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ इसलिए हमने क्या लगाया बेटा? एक्साइज भी लगाया। डन। ओके, तो अब यहाँ पे चलो बुक में ही लिखो, जहां डायग्राम है वहीं लिखो। समझ में आया क्या? तो रेगुलर मैट में होलसेलर को यहाँ पे सेल किया जा रहा है, तो प्राइस, यहाँ प्राइस, और प्राइस कितना बेटा? 1,00,000। उसके ऊपर सबसे पहला टैक्स कौन सा लगेगा? सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, एक्सरसाइज नहीं। हाँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर वो सेंट्रल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज। हाँ, तो सेंट्रल एक्साइज एट द रेट क्या? 10%, अज्यूम करते 10%, तो कितना लग गया? 10,000। ओके, टोटल कितना हुआ? 1,10,000। अच्छा, ये टोटल आफ्टर एक्साइज हुआ, फिर क्या लगेगा बेटा? जीएसटी भी लगेगा, एट द रेट क्या? 14%, और एस जी एस टी कितना लगेगा? एट द रेट, यस बेटा, टोबैको हो या टोबैको प्रोडक्ट्स हो, टोबैको से बने हुए प्रोडक्ट्स हो, सब पे यही ट्रीटमेंट है। ठीक है सर, ईवे बिल क्या होता है? मैंने शुद्ध हिंदी में कहा, बाद में देखेंगे। अरे आया ना, तो यहाँ पे चलो निकालो, कितना आया था ये? 15,400 टोटल कर लो बिल का। हाँ, 1,40,800। ओके, टोटल इनवॉइस का बिल होलसेलर को चले गया। अब होलसेलर आगे बेच रहा है रिटेलर को, ये पान शॉप है जिसमें मोबाइल भी दिख रहे हैं, मोबाइल के कवर भी दिख रहे हैं और सिगरेट भी दिख रही है, अरे है ना। ओके, तो ये समझ लो पान शॉप है। ओके, तो अब ये पान शॉप को, मतलब कोई भी हो जहाँ सिगरेट बेची जा रही है, बाय बाय होम, बाय होलसेलर। तो होलसेलर आगे जब बेचेगा, मैं आपका नॉलेज जानना चाहूँगा, देखो किसका कॉमन सेंस यहाँ बढ़ गया। ओके, मुझे बताओ, होलसेलर जब आगे बेचेगा तो फिर से टैक्स लगेगा, तो फिर से एक्साइज और जीएसटी दोनों लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? क्यों ओनली जीएसटी? भाई साहब, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडर है ओनली। समझ में आया क्या? एक्साइज किस पे लगती है? मैन्युफैक्चरर। ये समझ में आया क्या? तो ये जब आगे बेचेगा तो वो सिर्फ किस पे बेचेगा? सॉरी, ओनली कौन सा टैक्स लगाएगा? जीएसटी। ये समझ में आया क्या? अगर ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आया तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप करो। ओके, तो यहां पर टाइप कर नालायक, बोल मत। हाँ, तो ये आगे जब सप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू या प्राइस, समझ लो उसने प्राइस जो है 1,50,000, आई रिपीट, क्या 1,50,000। ओके, और यहाँ, और उसके ऊपर सीजीएसटी रेट तो वही रहेगा 14%, एसजीएसटी वो रेट तो वही रहेगा, कितना बेटा? 14%। तो कितना आया 150 पे निकाल के बताओ? एक कैलकुलेटर क्यों नहीं सौरभ? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पाया जाता 21,000 और 21,000,
तो टोटल कितनी हुई आपकी? 1 लाख. नहीं त्याच्यात तो वाला नहीं पाहिजे, नॉर्मल पाहिजे. ठीक है, तो 1,92,000 ये सेल हुआ. अब ITC कॉन्सेप्ट नहीं हुए तभी मैं समझा देता हूँ, बाद में ITC में प्रूव कर दूंगा. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को पता है ITC है नहीं क्या, शायद उनके डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए मैं समझा देता हूँ. देखो, जो आपने परचेसेस पे GST पे किया, कम ऑन, जो आपने परचेसेस पे GST पे किया, इसका क्रेडिट आपको इसमें मिल जाता है. मैंने क्या कहा? इसका क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, आपको सेट ऑफ मिल जाता है. सर ये क्या है? बाद में जी, बाद में. इनपुट टैक्स आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जहां तक देखा जाए इसका, लेकिन लेकिन एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता है, इसलिए यहां लिख दो सिर्फ नो ITC. एक्साइज का नहीं मिलता है. ओके, और एक्साइज का नहीं मिलता है, हेंस इट लीड्स टू डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन मतलब क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. तो यहां पे ओके, एक्साइज का ITC नहीं मिलता है. तो यहां देखो क्या हो रहा है, पता है क्या? हम एक्साइज को ऐड करके GST लगा रहे हैं, मतलब वही डबल टैक्स हो रहा है. अरे है ना, और बाद में एक्साइज का क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं है. GST का मिल जाएगा, पर एक्साइज का क्रेडिट आगे नहीं मिलेगा. ओके, तो दैट्स ऑल. ये हुआ रिगार्डिंग टू अ कंप्लीट इंपैक्ट ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. ये समझ में आया क्या? पूरा चेन कैसे होगा? क्लियर सभी को? चलो अब नेक्स्ट, वो क्या कहते हैं, एक केस स्टडी. चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाओ, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए. अगर इसके ऊपर एग्जाम में पूछा तो हाउ टू प्रेजेंट. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में P3 पेज नंबर डाल दो, क्रॉस पेज नंबर डाल दो, यहां पे आ जाओ. वजीर सुल्तान लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट. एक मिनट, वजीर सुल्तान सिगरेट बना रही है. सोल्ड द गुड्स टू बी लिमिटेड फॉर रुपीज कितने में? 2 lakhs. B Limited further sold the goods to whom? C Limited for rupees kitna? 3 lakhs. Calculate excise and net GST payable. I repeat the word. Kya bola unhone? Net GST payable. Okay. By Wazir Sultan Limited and B Limited if excise on cigarette. Cigarette pe excise kitna diya unhone? 20. अच्छा सर, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या हमें एक टैक्स रेट दे दिए जाएंगे? तो यस, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको टैक्स रेट दे दिए जाएंगे. नो नीड टू रिमेंबर द टैक्स रेट्स. ये समझ में आया क्या? और सिगरेट क्या रेट से दिया है उन्होंने? 28%. और सप्लाई कौन सा है बेटा? इंट्रास्टेट. ओके, सप्लाई इंट्रास्टेट है. तो चलिए यहां पर लिखो, आंसर लिखो. ओके, रेफरेंस डाल के लिखो. टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज टैक्स नहीं, एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज स्क्रीन पे ध्यान देने से ज्यादा मेरे डिक्टेशन पे ध्यान दो, एज वेल एज GST. नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय वजीर सुल्तान लिमिटेड, वजीर सुल्तान लिमिटेड. एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन ऑफ GST पेबल लिखा या टैक्स पेबल लिखा? GST क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक साइज भी आने वाला है. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, जिसके पास नोटबुक नहीं है वो नोटबुक में या कोई रफ पेज लेकर सॉल्व करे, पर खाली ना बैठे. ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस बताओ. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख.
उसके ऊपर सबसे पहला टैक्स कौन सा लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एट द रेट, क्या रेट दिया है? 20%, यानी कितना लग जाएगा? 40,000, 40,000, टोटल कितनी आई? हाँ, ये टोटल पे आप लगाओगे जीएसटी, फिर नीचे लगाओगे सी जी एस टी एट द रेट, थोड़ा इको होता है आवाज बख्श, आवाज इको होता है, सी एच एट द रेट 14% और एस जी एस टी एट द रेट क्या? 14%, एट द रेट 14%। तो सी जी एस टी और एस जी एस टी कितना आ रहा है? 33,600 टोटल कर लो, टोटल इनवॉइस प्राइस, सॉरी 3,400,000 ना, 200। अच्छा, अब उसने सिर्फ वजीर सुल्तान का पूछा है कि बी का भी पूछा है? हाँ, वर्डिंग देखो, वर्डिंग देखो, कैलकुलेट एक्साइज ड्यूटी एंड नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ वजीर सुल्तान एंड क्या बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे केस में आगे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस, टाइटल के तरफ पूरा ध्यान, चार्ज बाय बी लिमिटेड, बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड। अच्छा, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है? तो वो भी आगे सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है? वो सी लिमिटेड को, आगे वो सी लिमिटेड को सेल कर रहा है। तो लिखो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स में वो आगे कितने में सेल कर रहा है बेटा? हाँ, 3,00,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, कितना यहाँ पे? 3,00,000। डन, अब इसके ऊपर एक्साइज लगाओ या डायरेक्ट जीएसटी लगाओ? सी जी एस टी एट द रेट 14%, एस जी एस टी एट द रेट 14%, 42,000 and 42,000, done. What should be the total price? 3,84,000, ठीक है, 3,84,000, done. अब मुझे ये बताओ, ये इसका जीएसटी है, हाँ, मैंने अभी तक आईटीसी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया आपको, समझ में आया क्या? लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन लेना, कोई सवाल मत पूछना, इसके बाद ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कौन सा, आईटीसी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट टेबल करो, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल बाय बी लिमिटेड, इस पे मैं कोई सवाल एंटरटेन नहीं करूंगा, जैसा मैं लिख रहा हूं चुपचाप लिखो, ठीक है? तो यहां पे पर्टिकुलर्स सी जी एस टी और एस जी एस टी लिखो, आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सप्लाई, बताओ बी, बी जो है जब सी को बेचेगा, आई रिपीट, बी जो है वो किसको बेचेगा? सी को, तो कितना टैक्स लगा रहा है? हाँ, कितना टैक्स लगा रहा है? 42,000 and 42,000, तो ये 42,000 वो टैक्स लगा के आगे बेच रहा है, लेस, लेस यहाँ लिख दो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, मुझे बताओ ये बी ने जब खरीदा था, किससे खरीदा इसने? अरे है ना, किससे खरीदा? वजीर सुल्तान से,
ओके, किससे खरीदा? वजीर। तो जब वो उसने परचेस किया, कमान, उसने जब परचेस किया तो कितना जीएसटी लग के आया? 33,600, 36,300, तो लेस 36,000, 33,600, 33,600, तो नीचे लिखो नेट जीएसटी पेबल। सिर्फ कैलकुलेशन करो, कोई दिमाग मत लड़ाओ। 8,400, 8,400, मैं बोला ना बेटा, अभी सवाल ही मत पूछो। सर इसकी परचेस प्राइस ही तो 37 है, फिर इसने 3 में कैसे भेजा? अभी कोई सवाल नहीं, एक्चुअल उसकी परचेस प्राइस इतनी है 240, क्योंकि बाकी का क्रेडिट है उसको। अरे आया ना, तो यहाँ पे ओके, कोई सवाल मत पूछो। पहले मुझे बताओ, ये पूरा चेंज समझ में आया क्या आपको? मुझे ये प्रॉब्लम में क्या समझाना है, आईटीसी बिल्कुल नहीं समझाना है। ये प्रॉब्लम में मैन्युफैक्चरर बेचता है तब एक्साइज और जीएसटी, और आगे जब बेचा जाता है तो ओनली क्या? जीएसटी। और वो नेट पे करेगा, जीएसटी के क्रेडिट लेगा, एक्साइज के क्रेडिट नहीं लेगा। डन। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके प्रॉब्लम नंबर 3। अब आ जाओ यहाँ नेक्स्ट पे आ जाओ, अल्कोहल एंड इट्स रॉ मटेरियल। ओके, अल्कोहल एंड इट्स रॉ मटेरियल। एक मिनट मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। रेगुलर मैट में आ जाओ वापस, मुझे बताओ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का क्या करंट स्टेटस है? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, डोर ओपन करो। हाँ ओके, पर ऐसा क्यों हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या स्टेटस है इसके? ये जीएसटी में है या टोटल एक्साइज में है? यानी अल्कोहल पे दोनों टैक्स लगेंगे या ओनली एक्साइज और सेल्स टैक्स वैट लगेगा? इस पे जीएसटी आता ही नहीं है। ओके, सो हाईलाइट करो, इट इज आउटसाइड द रिल्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी के परव्यू में नहीं है। द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर कंटिन्यूड सब्जेक्ट टू, अच्छा अल्कोहल पे कौन सी एक्साइज आती है, सेंट्रल या स्टेट? सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और इंट्रा स्टेट पे लगेगा वैट और क्या? सीएसटी, वैट और सीएसटी। ये दूसरा वाला पार्ट अभी पेंडिंग रखता हूँ, क्योंकि ये अभी की अमेंडमेंट है, इसके पहले पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अल्कोहल हमारा डिस्कशन हो चुका है, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्कोहल हमारा डिस्कशन हो चुका है। नीचे अगर आप आओगे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर विजय माल्या, ठीक है इंडिया में नहीं है पर है तो, हाँ तो जहाँ तक है मिस्टर विजय माल्या एंगेज इन द सप्लाई ऑफ लिकर, किंग फिशर, कभी नाम सुना है? हाँ, लीकर एंड ऑल्सो प्रोवाइड क्या, एयरलाइन सर्विसेज। एक मिनट, वो लीकर भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ओके ऑन फॉलोइंग इनटू सप्लाई ऑफ लीकर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 लैक्स का सप्लाई किया, जिसके ऊपर स्टेट एक्साइज है 12% और वैट है क्या 12.5%, और सप्लाई ऑफ एयरलाइन सर्विसेज कितना बेटा 30 लैक्स। अच्छा, एयरलाइन सर्विसेज जीएसटी में आएगा? 6 गुड्स छोड़ के बाकी सब जीएसटी में, अभी 6 फिर एक बढ़ेगा, अरे है ना, तो बाकी सब क्या जीएसटी में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में चलो आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन में, आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक में, आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक में, आ जाओ। Then, अब यहां पे लिखो इसका P4 का आंसर। अच्छा, हम दोनों का
टैक्स एक साथ निकाले या दोनों अलग अलग टैक्स में आएंगे? ऐसा रेस्टोरेंट में होता है, बार में होता है, बार में अल्कोहल बेचा जाता है और बार में खाना भी दिया जाता है। अरे है ना, तो अल्कोहल का इस पे कौन सा, आज अल्कोहल पे क्या लगेगा? एक्साइज और वैट। और फूड पे क्या लगेगा? जीएसटी। अरे है ना, तो ये बार में आप बहुत सी बार देख सकते हो। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स पेबल ऑन लिकर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लीकर कितना है बेटा? 20 लैक्स। और उसके बाद में, अच्छा, लीकर पे कौन सा टैक्स लगाएंगे? स्टेट एक्साइज, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया, एट द रेट 12%। स्टेट एक्साइज एट द रेट 12% कितना है 20 लैक्स का? 2,40,000। ये ऐड करो, 22 लैक्स कितना हुआ? 40,000। उसके बाद में आएगा वैट, उसके बाद में, एक मिनट, जीएसटी लगाएगा या वैट लगाएगा? वैट। वैट क्या रेट दिया गया? एट द रेट 12.5%। कितना आ रहा है? 22 लैक्स। 22 लैक्स यहाँ पे 40,000 का 2,80,000। 2,80,000 ठीक है, 2,80,000 टोटल कितनी आई? टोटल प्राइस विथ टैक्सेस, ट्वेंटी थाउजेंड। नीचे लिखो नोट्स, लिखो, अच्छा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या लिख सकते हो नोट्स? एक तो एज पर आर्टिकल 366 क्लॉज 12 है, अभी तो याद रह गया, बाद में शायद हो सकता है याद ना है, तो सिंपल वे में एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अरे है ना, ओके, लिखो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नो जीएसटी लेवियेबल ऑन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, हेंस इट इज लायबल टू स्टेट एक्साइज एंड स्टेट एक्साइज एंड वैट और क्या बेटा? सीएसटी। ये वैट और सीएसटी क्यों लिखवा रहा हूं मैं? इंट्रा होगा तो वैट, इंटरस्टेट होगा तो सीएसटी। डन, चलो, ये तो मैंने किसका टैक्स निकाला बेटा? लीकर का। अब मुझे किसका निकालना है? एयरलाइन सर्विसेज का। चलो बी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एयरलाइन सर्विसेज, टैक्स पेबल ऑन एयरलाइन सर्विसेज। अच्छा,
particulars and amount in rupees. तो मुझे ये बताओ एयरलाइन सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगने वाला है? जीएसटी. वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना? 30 लाख. वैल्यू ऑफ सप्लाई 30 लाख. और सीजीएसटी अगर हम इंट्रा माने तो सीजीएसटी और क्या बेटा? एसजीएसटी. क्या रेट दिया हुआ है? 9% क्योंकि 18 तो 2,70,000. सर वैट भी और एक्साइज भी? हाँ, यही तो क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं. मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आए ये सॉल्व करते करते. हाँ, टोटल प्राइस कितनी? 35 लाख. क्या? 40,000. 35 लाख 40,000. हाँ, मैं इसके आगे और कंटिन्यू करूँगा, पर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना चाहूँगा जो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था और पूछ लिया किसी ने. सर ऐसे कैसे गवर्नमेंट कर रही है कि एक्साइज भी लगाती है, उसके बाद में वैट भी लगाती है, और पहले तो ऐसा होता था जब जीएसटी नहीं था. अरे आया ना. तो भाई साहब अब देखो, ओके ध्यान से सुनना सभी ने. कोई भी टैक्स जो है वो टैक्स इवेंट पे होता है. ओके, अब ध्यान सुनना. कोई भी टैक्स इवेंट पे होता है और जो पर्सन ने उस इवेंट को टच किया करंट लगा. नहीं समझा सर? सिर्फ आपको ही लगा? अरे है ना. कोई भी पर्सन ने वो टैक्स इवेंट को टच किया तो करंट लगा. मुझे बताओ इनकम टैक्स पढ़ाया आपने? कोई ना बोल दे नालायक. ओके, इनकम टैक्स पढ़ाया आपने. तो इनकम टैक्स किसके ऊपर है? पर्सन पे है या इनकम पे है? जोर से बोलो. इनकम पे है. अरे यस और नो? ओके, इन शॉर्ट इनकम टैक्स पर्सन पे नहीं है, इनकम इवेंट पे है. और जिस पर्सन ने उस इनकम इवेंट को टच किया, फिर वो टच सैलरी का हो. अरे आया ना. वो टच हाउस प्रॉपर्टी का हो, पीजीबीपी का हो, अदर सोर्सेस का हो. अब कोई बच्चा 2 साल का है, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ पर्सन इसलिए इनकम टैक्स लगा देगा? न्याय. कोई अगर 80 साल का ओल्ड एज पर्सन है, हिमालय पे जाके मेडिटेशन कर रहा है, ओके इनकम टैक्स ऑफिसर आया और बोला चल इनकम टैक्स दे. नॉट पॉसिबल. भाई साहब आप लायबल तभी छोगे जब उस इवेंट को टच करो. तो टैक्स का, टैक्स लेवी करने का एक इवेंट होता है, और जिसने उस इवेंट को टच कर दिया ही इज लायबल. अरे आया ना. ही इज लायबल. सर आप कहना क्या चाहते हो बता दो. तो भाई साहब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, आई रिपीट क्या है? मैन्युफैक्चरर है, और ये मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को. ओके, समझ लो ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये टैब मैन्युफैक्चर कर रहा है, लाइट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये कैमरा मैन्युफैक्चर कर रहा है, बेंचेस मैन्युफैक्चर कर रहा है. अरे आया ना. तो ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसने पहले एक इवेंट को टच कर दिया. बोलो कौन से इवेंट को टच कर दिया? मैन्युफैक्चर. अरे आया ना. और बाद में वो सेल करता है. एक मिनट, पहले वो मैन्युफैक्चर करता है और बाद में वो सेल कर रहा है, तो उसने 2 इवेंट को टच कर दिया. बताओ कौन से 2 इवेंट को टच कर दिया? पहले तो मैन्युफैक्चर को टच किया इसलिए लग गया एक्साइज. अरे यस और नो? और फिर उसने वो प्रोडक्ट सेल किया तो लग गया सेल्स टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वैट. तो सर दोनों टैक्सेस लग जाएंगे? हाँ. अरे सर बट. हाँ, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट अलग थे. पहले मैन्युफैक्चर उत्पादन कर था, मतलब क्या? ओके, बहुत पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि भाई राजा और वो फार्मर होते हैं. फार्मर जब ओके अनाज का उत्पादन करते थे तो कुछ राजा कुछ बैग्स ले लेता था. क्यों? क्योंकि तुमने बनाया. अरे आया ना. वहां से जन्म हुआ एक्साइज का.
अच्छा कोई वो समझ लो कोई फार्मर जो है वो बेच नहीं रहा, खुद के लिए रख रहा, तभी राजा को देना पड़ता था। अरे हाँ या ना, फिर वो बेचे या ना बेचे, ये प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, तो लगता था क्या बेटा एक्साइज। ये समझाया नहीं समझा? और फिर जो फिर बाद में बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर लगाया गया सेल्स टैक्स। तो उसने मैन्युफैक्चर इवेंट को टच किया एक्साइज, उसने सेल्स टैक्स इवेंट को टच किया वैट। और भाई साहब तुमने कभी इमेजिन किया है जितनी जितनी इवेंट्स को आप टच करोगे उतना टैक्स लगेगा? लेट्स टेक एग्जांपल, जीएसटी आने के पहले कैसे कैसे टैक्स लगते थे। ओके, फिर जीएसटी आया, बहुत सा नॉर्मलाइज किया। ओके, क्या समझ लो आपने, ये इंडिया है समझ लो, और आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। आई रिपीट, आपने रॉ मटेरियल, आपने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, तो ये इंपोर्ट जैसे ही इंपोर्ट इवेंट को टच किया, बताओ कौन सा टैक्स लगता है? नहीं नहीं नहीं, पुराने इसमें जीएसटी में नहीं, पुराने इसमें क्या लगता था? कस्टम। और आज भी बीसीडी लगती है, बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहां जैसे ही इंपोर्ट पे टच किया क्या लग जाता है बेटा? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग जाता है। ये रॉ मटेरियल तुम्हारे फैक्ट्री में आया, ओके, और फैक्ट्री में आने के बाद आपने इससे फिनिश गुड्स बनाया, जैसे ही फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, भाई साहब तूने और एक इवेंट को टच कर दिया, क्या मैन्युफैक्चर, क्या देना पड़ेगा? एक्साइज। फिर ये गुड्स जैसे ही बेचा, जैसे बेचा क्या देना पड़ेगा? वैट। अरे है ना, फिर अपना ही गुड्स जो उसने बेचा उसकी सर्विसेज दी, ओहो सर्विस इवेंट को टच कर दिया। अरे है ना, उसकी क्या दी उसने? सर्विसेज दी, तो उसको उसने कौन से इवेंट को टच कर दिया? सर्विस। तो पहले क्या लगता था? सर्विस टैक्स। अच्छा, ये बेचने से इनकम कमाया, जितने इवेंट्स को टच करोगे उतने बार करंट लगेगा। अरे हाँ या ना, और एक बार फिर से बताओ, टैक्स पर्सन पे कि इवेंट्स पे? इवेंट्स पे। दूसरी बात ये समझ लो, हाँ बेटा ओके, यानी पर्सन एक एंड टैक्सेस अनेक। इसको टच किया कस्टम्स, इसको टच किया एक्साइज, इसको वैट, ऑक्ट्राय। अच्छा, ये तो मैं ऑक्ट्राय एलबीटी ले ही नहीं रहा, जब तुम्हारा गुड्स दूसरे सिटी में जाता है तो एक और इवेंट को टच हो गया, है ना, क्या ऑक्ट्राय एलबीटी। सर ऐसे ऐसे डबल डबल टैक्सेस लगते थे? हाँ। फिर सर लोग परेशान नहीं होते थे? सर फिर फॉरेन इंडस्ट्री यहां पे आने की डरती थी? हाँ, इसलिए तो लाया गया जीएसटी। अरे हाँ, अब गवर्नमेंट कहती है ऐसे सारे इवेंट पे डांस करने की जरूरत, एक ही बार करंट लगाएंगे और वो सप्लाई पे लगाएंगे। अरे है ना, एक ही बार करंट लगेगा और वो सप्लाई पे लगेगा, और वो सप्लाई पे कौन सा करंट लगेगा अभी? जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन इनकम टैक्स तो आज भी है भाई साहब, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को एक ही करंट है अभी। इसलिए बेटा मैंने अल्कोहल जो जीएसटी में नहीं है, अल्कोहल लिकर जीएसटी में नहीं है, तो एक्साइज भी लगता है। एक स्टूडेंट ने इन बिटवीन क्वेश्चन पूछा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं लूंगा पहले कुछ सेशन में तो जरूर लूंगा, और उसके बाद भी आपने मैच्योरिटी नहीं बढ़ाई तो वो आपका प्रॉब्लम। अरे है ना सर, एक सेलर ने दूसरे को सेल किया, दूसरे ने तीसरे को सेल किया, ओके सब एक में को सेल कर रहे हैं। अरे है ना, तो क्या सर अगर हमने यहां वैट लगा दिया, कम ऑन, यहां वैट लगा दिया तो आगे भी वैट लगा, वैट है ना क्या सेल्स टैक्स, तो क्या आगे भी वैट लगाना पड़ेगा? जब जब भी इंडिया का जो जो भी पर्सन, मेरे वर्ड सुनना, जब जब भी इंडिया का जो जो भी पर्सन एक इवेंट को टच करेगा करंट लगेगा, इवेंट को टच करेगा करंट लगेगा। तो जब तक सेल कंटिन्यू है तब तक वैट देना पड़ेगा। अरे सर बट, तो यहां पे भी वैट लगेगा, यहां पे भी वैट लगेगा, जब तक वो लास्ट तक बी टू सी नहीं जाता है तब तक करंट लगेगा। अरे आया ना, समझा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर रट्टा मारो। हाँ ठीक है, तो यहां पे इसलिए बेटा मैंने यहां एक्साइज भी लगाया और वैट भी लगाया। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो चलिए समझ में आया सबके?
ओके नाउ अब आ जाओ ओपीएम इंडियन हेम्प। हाँ, हमारा वो वाला चार्ट निकालो, को वाला आर्टिकल 265 वाला, आर्टिकल 265 वाला चार्ट निकालो। निकाला क्या आपने? वहां आपको तीन लिस्ट दिख रही है, बताओ कौन सी तीन लिस्ट दिख रही है? यूनियन, स्टेट, कौन कर रहे? मेरे साथ इन्वॉल्व रहो, मेरे साथ इन्वॉल्व रहो, ठीक है? यहाँ पे बीच में जो लिस्ट है, ओके, स्टेट लिस्ट, बताओ स्टेट लिस्ट में एक्साइज लिखा हुआ है? मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, मैं चार्ट तो मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने दिखाया कि आधे लोग फिर ऐसे इधर उधर देखेंगे, कौन क्या कर रहा है, आज उसने मेरे तरफ देखा ही नहीं। अरे ओके, क्लास क्लास में मन नहीं लग रहा है, ओके एक बार देख ले बस सब समझ जाओगे जीएसटी, ठीक है? तो ओके यहाँ पे नालायक इधर ध्यान दो, इसलिए मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपसे। दिखा आपको स्टेट लिस्ट, दिखा स्टेट लिस्ट में आपने ये बताओ स्टेट की एक्साइज कौन से प्रोडक्ट्स पे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट का एक्साइज है, समझ में आया क्या? और ये भी क्लियर कर दिया मैंने नीचे नीचे, जब आर्टिकल 366 हमने लिखा तो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आएगा। अरे आया ना, मुझे आपसे इंटरप्रिटेशन चाहिए, व्हाट अबाउट ओपियम, इंडियन हेम्स एंड नार्कोटिक्स? ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स क्या होगा उसका? हाँ, क्या उसके ऊपर कंटिन्यू एक्साइज लगेगा या जीएसटी भी लगेगा या दोनों लगेगा क्या? तो मैं आपको बताता हूं, ओके, ओनली सिक्स एटम्स, कम ऑन, क्या कहा मैंने? ओनली सिक्स एटम जीएसटी में नहीं है, बाद में एक ऐड होगा, समझ में आया क्या? जीएसटी में नहीं है, ओके, उसके अलावा बाकी सब जीएसटी में, मतलब ओपियम, इंडियन हेम और नार्कोटिक्स, चरस, गांजा वगैरह। अरे आया ना, इस पर जीएसटी आएगा। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? इसके ऊपर जीएसटी आएगा, क्योंकि छह आइटम में ये नहीं आता है, छह आइटम्स में ये नहीं आएगा, मतलब इसके ऊपर जीएसटी आएगा। और दूसरा, इसके ऊपर एक्साइज भी आएगा, टोबैको जैसा। मैंने क्या कहा? टोबैको जैसा। तो इंडियन हेम्प ऐसा है, ओके देखो, ओपियम मैंने कहा पहले ही कह दिया था कि किसी को समझ जाएगा पर हजम नहीं होगा, किसी को समझ जाएगा पर ये दिक्कत जाएगी, याद कैसे रखूं? अरे है ना, तो रुक जाओ, वो मेरे पे छोड़ो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स विद इन द परव्यू ऑफ क्या बेटा? जीएसटी। अंडर हाईलाइट करो, इस पर जीएसटी लगेगा, दैट इज जीएसटी इज लेवियबल ऑन देम, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद में हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो रिटेन द पावर ऑफ लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन क्या? इंडिया। ओके, ऑन सच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, रिजल्टेंटली ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स एंड आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट, एग्जैक्टली लाइक टोबैको, ठीक है? तो ये थे हमारा ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ दिखे आपको? क्या था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे? जीएसटी नहीं आएगा, मतलब पुराने कौन से टैक्सेस लगेंगे? एक्साइज, हाईलाइट कर दो, सेंट्रल एक्साइज और क्या? वैट और सीएसटी। सर समझा, पर हमें लगता है कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, तो क्या कोई आप अच्छा तरीका बता सकते हो कि जिसमें कन्फ्यूजन ही ना हो? अरे आया ना, बिल्कुल, ओके बताएंगे। तो एक काम कीजिएगा, आप अब चार्ट बुक में जाइएगा, ओके, जो जिसको दिक्कत हो रही है मत जाओ, ठीक है? जिस जो अब कुछ बच्चे यहाँ पे चिकचक कर रहे हैं, ओके चार्ट बुक में जाओ, नालाय को अब एक चार्ट बनाते हैं, ओके एक चार्ट बनाते हैं, लिखो। और ये चार्ट सिंगल पेज वर्टिकल पेज, अब देखो जब तक मैं डबल पेजेस ना कहूं तब तक डिफॉल्ट सिंगल पेज एंड वर्टिकल पेज, जब तक मैं डबल पेज ना कहूं,
ठीक है, तो लिखो लेवी ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट केसेस, लेवी ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट केसेस। चार्ट बुक में जाओ, लेवी ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट केसेस, मेक थ्री पार्ट्स, मेक थ्री पार्ट्स। एक मिनट, टाइटल में एक वर्ड ऐड कर देता हूं, लेवी ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट केसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेस, गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है, अब यहां पे हाँ, पहली वो लिस्ट बताओ कि जो जीएसटी में आते ही नहीं है, आती ही नहीं है जीएसटी में। भाई साहब कुछ याद आया जो जीएसटी में आते ही नहीं है? ओके, तो लिखो गुड्स टोटली आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी। ओके, यहां पे ऑफ जीएसटी, टोटली आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी। हाँ, अब मैं फोर्थ टाइम लिखवा रहा हूं, अब तो रट्टा हो जाना चाहिए। ओके, कौन कौन से गुड्स है? पेट्रोलियम क्रूड, HSD, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, और फिफ्थ ATF। ATF मतलब, हाँ, ये पांच गुड्स पे GST तो आएगा ही नहीं। ओके, पांच गुड्स पे लिखो मैन्युफैक्चर होगा, एक मिनट, सेंट्रल एक्साइज। अच्छा, सेंट्रल एक्साइज कब? एक मिनट, मैंने क्या वर्ड यूज किया, स्टेट या सेंट्रल एक्साइज? सेंट्रल एक्साइज ऑन क्या बेटा? मैन्युफैक्चर एंड वैट और CST ऑन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, वैट और CST ऑन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई। ये समझा? क्लियर? एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगेगा, और जब सेल करोगे, सेल सप्लाई की जगह सेल वर्ड यूज करो, सॉरी गलती होगी। ओके, तो यहां पे सेल वर्ड यूज करो, सप्लाई की जगह सेल। ठीक है सर, सेल क्यों? क्योंकि अभी ये GST में नहीं है, GST में होता तो सप्लाई वर्ड यूज करते हैं। अरे यस और नो? तो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सेल। अच्छा, एक सिक्स नंबर लिखो, सिक्स नंबर कौन सा लिखेंगे हम? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा मुझे बताओ, इस पर भी एक्साइज आती है अल्कोहल पे, पर अल्कोहल पे एक्साइज सेंट्रल आती है या स्टेट आती है? स्टेट। तो ये केयरफुल लिखना, स्टेट एक्साइज, स्टेट एक्साइज। ऑन मैन्युफैक्चर एंड वैट और CST, वैट और CST ऑन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सेल। डन,
इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सेल. चलो तो ये दिमाग में कैसे फिट करना है, ये छह आइटम पे तो ये जीएसटी कभी नहीं आएगा. लगेगा तो क्या लगेगा, एक्साइज और वैट. हाँ, यहाँ सेंट्रल लगता है और यहाँ स्टेट लगता है, दैट्स ऑल. क्लियर? ये समझा नहीं समझा? ओके. अच्छा, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है? हाँ, पहला टोबैको वाला तो लिखो यहाँ पे. ओके, लिखो यहाँ पे. सेकंड इसमें गुड्स, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी. गुड सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी. पहला लिखो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. यहां पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा ऑन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर किया तो. एंड जीएसटी लगेगा, एक्साइज और जीएसटी लगेगा. और जीएसटी इंट्रास्टेट होगा तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी. और इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा बेटा, आई जी एस टी. इंटरस्टेट होगा तो आई जी एस टी. डन. और दूसरी कैटेगरी बताओ. हाँ, और सेकंड कैटेगरी बताओ. ओपियम, इंडियन हेम, नार्कोटिक्स, इटीसी, नार्कोटिक, इटीसी. इसके ऊपर स्टेट एक्साइज, स्टेट एक्साइज किस पे लगना है, मैन्युफैक्चर पे. स्टेट एक्साइज लगना है मैन्युफैक्चर पे. एंड जीएसटी, एंड जीएसटी वही इंट्रा होगा तो सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. और अगर इंटर होगा तो क्या बेटा, आई जी एस टी. और नीचे एक रेड पेन से नोट लिखना, इफ जी एस टी इज पेबल देन नो वैट, नो वैट और सी एस टी. ये नोट समझे क्या आपको? हाँ? अगर जीएसटी लग रहा है तो फिर वैट और सीएसटी नहीं लगेगा. नो वैट एंड सीएसटी, यानी एक्साइज जानबूझ के रखा एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए. आई रिपीट, एक्साइज जानबूझ के रखा फॉर एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए, पर जीएसटी लगने के बाद आपको वैट और सीएसटी नहीं लगते हैं. और अब मैं तीसरा पार्ट लूंगा, यहां पर तीसरा पार्ट लूंगा. All other, all others goods, और क्या बेटा, all other goods or services, only one tax. बताओ कौन सा only one tax? खत्म, GST. All other goods or services, only GST. चार्ट से थोड़ा easy हो रहा है? Yes or no? Only GST. हाँ,
तो थोड़ा मैं इसको याद रखने का टेक्निक बताता हूँ, ये तो आपको याद रह जाएगी। अरे आया ना। और मैंने क्या किया कि जो पहले कैटेगरी में आते हैं वहाँ कौन सा लगता है, सेंट्रल एक्साइज, और नीचे जो आते हैं वो स्टेट एक्साइज। इसमें भी पहली कैटेगरी कौन सी ली मैंने, टोबैको सेंट्रल, और नीचे जो आया था स्टेट। अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हो तो कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट दिया ही है। अगर आप थोड़ा याद रखने हिसाब से करना चाहते हो तो मैंने ये आपको बनाया। तो टोटल जो है ओके, ये छः आइटम्स, आई रिपीट, ये छः आइटम्स पे क्या नो जीएसटी, छः आइटम्स पे नो जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी, इधर पे एक्साइज एंड जीएसटी, एक्साइज एंड जीएसटी, और लास्ट ओनली जीएसटी। सर ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। डन ओके, तो ये था। अब चलो लास्ट डिस्कशन यहां पे ले लेते हैं, अगर नहीं समझा तो ब्रेक के बाद वापस रिवाइज करूंगा। एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाओ, फिर ये टेबल खत्म हो जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, तो यहां पे रेगुलर मैट में आ जाओ, रेगुलर मैट में आ जाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो यहां एक चार्ट ही बना लो, रेगुलर मैट में ही, वो बॉक्स में। लिखो एंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल बॉडी, ठीक है। दो पार्ट करो, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी। लोकल बॉडी तुषार थोड़ा रुक जाओ बेटा, ठीक है। तो अब देखो, जीएसटी आने के पहले इंडिया में दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे। आप मूवी देखने जाओ तो, आपने तब नोट नहीं किया होगा, लेकिन मूवी देखने जाओ तो मूवी टिकट्स पे जो भी एंटरटेनमेंट इवेंट्स होगा मूवी टिकट्स पे स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जिसे ईटी कहा जाता था। ईटी मतलब है ना, स्टेट का भी लगता था। और जो लोकल बॉडी है, जैसे पुणे में आप अगर आईनॉक्स में मूवी देखने जा रहे हो तो स्टेट का ईटी लगता था, और यहाँ पे पुणे का भी ईटी लगता था, लोकल बॉडी का भी ईटी, दो बार ईटी लगते थे। तो एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट एंड एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी। लेकिन जीएसटी लाते वक्त ये डिसाइड हुआ कि भाई जो एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट है वो हम सब्स्यूम कर देंगे। पेज नंबर यहाँ पे, दो मिनट के लिए आप आ जाओ, और पेज नंबर एट पे आ जाओ। पेज नंबर एट पे आते हो ओके, तो वहां पे स्टेट लिस्ट में देखो, स्टेट टैक्सेस में फोर्थ नंबर पे दिखेगा एंटरटेनमेंट टैक्स, यस और नो? पर नीचे मैंने लिखा है अदर देन दोज लेविड बाय क्या, लोकल बॉडीज। कुछ समझाया क्या? तो इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट का था वो सब्स्यूम हो गया। सब्स्यूम हो गया मतलब जीएसटी में मिल गया। अरे है ना, स्टेट का सब्स्यूम हो गया, पर अदर देन मतलब जो लोकल बॉडी लगाना चाहती है वो सब्स्यूम नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या लूं मैं? इसका मीनिंग ये है कि जीएसटी लगने के बाद भी लोकल बॉडी चाहे, आई रिपीट, जीएसटी लगने के बाद भी लोकल बॉडी चाहे तो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड ओके। तो ये लिखो, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट सब्स्यूम इन जीएसटी, सब्स्यूम इन जीएसटी। ये तो स्टेट वाला तो हो गया, लेकिन लोकल बॉडी टैक्स, सॉरी, एंड ईटी बाय लोकल बॉडी, लिखो, इट इज नॉट सब्स्यूम
नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी. सर लोकल बॉडी मतलब क्या? अच्छा क्वेश्चन है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब क्या? चुल्लू भर पानी ले और मुंह पे मार. अरे है ना. ओके लोकल बॉडी मतलब आपकी पंचायत. पंचायत होगी तो पंचायत. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. कैंटोनमेंट बोर्ड होगा तो कैंटोनमेंट बोर्ड. जो जिस लोकल बॉडी में आप रहते हो. अरे आया ना. तो एंटरटेनमेंट टैक्स. सर एंटरटेनमेंट टैक्स सिर्फ सिनेमा मूवी पे आएगा क्या? नहीं. आप अरिजीत सिंह का ओके म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हो तभी एंटरटेनमेंट टैक्स. डांस प्रोग्राम में जाते हो तभी, जहां आपका एंटरटेनमेंट होगा. समझ आया क्या? एम्यूजमेंट पार्क. अरे आया ना. ओके एम्यूजमेंट पार्क. इमेजिका में जाओगे एंटरटेनमेंट टैक्स. अरे है ना. मूवी देखने जाओगे एंटरटेनमेंट टैक्स. ओके सर क्लास क्लास में नालायक को पढ़ने आते कहा एंटरटेनमेंट होता है. ओके तो यहां पे चलिए. नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी दैट इज इट इज पेबल इन एडिशन टू जीएसटी. इट इज पेबल इन एडिशन टू जीएसटी. इंपॉर्टेंट मतलब जीएसटी भी लगेगा और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगेगा. ओके सब्स्यूम. सब्स्यूम मतलब एक आत्मा हो जाना. अरे है ना. मुझे सरप्राइज है आपके क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब आते हैं. ओके चलो. इट इज पेबल मतलब सब्स्यूम मतलब अब वो जीएसटी में आ गया और जीएसटी लग रहा है मतलब वो अब नहीं लगेगा. समझ में आया क्या? अब वो नहीं लगेगा. चलो अब यहां पे ये क्वेश्चन. आइनॉक्स लिमिटेड इज रनिंग सिनेमा थिएटर इन पुणे. पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. आई रिपीट द वर्ड क्या? पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव चार्ज एंटरटेनमेंट टैक्स. अच्छा ये स्टेट वालों ने लगाया क्या? स्टेट वाले लगा भी नहीं सकते. क्यों नहीं लगा सकते? जीएसटी आ गया है. जीएसटी आ गया है तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी उसके पास पावर है. ओके एंटरटेनमेंट टैक्स 2% ऑन टिकट वैल्यू. आइनॉक्स लिमिटेड सोल्ड टिकट्स ऑफ 150,000 इन अ मंथ ऑफ अप्रैल. कैलकुलेट टैक्स लेवेबल ऑन एंटरटेनमेंट सर्विसेज. जीएसटी रेट कितना है बेटा? 18%. चलो क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस बुक में आ जाओ. लिखो ईटी. ईटी मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ लोकल बॉडी इज नॉट सब्स्यूम इन क्या बेटा? जीएसटी. हेंस इट इज सब्जेक्ट टू. लिखते वक्त पूरा ध्यान. इट इज सब्जेक्ट टू ईटी एज वेल एज जीएसटी. नीचे लिखो. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय आइनॉक्स लिमिटेड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन क्या बेटा? रुपीस. वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अप्रैल कितना था? वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अप्रैल 150,000. अच्छा अब सबसे पहले इसके ऊपर क्या लगेगा? लोकल बॉडी का ईटी. ओके तो लिखो ईटी. पूरा लिख देना भाई साहब नहीं समझा तो. ईटी बाय लोकल बॉडी कितना है? ईटी का रेट एट द रेट 2% कितना रहा है? 3,000. टोटल कितना हुआ? 153. इसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी. 9% निकालो.
इंटू 9% 13,770 टोटल प्राइस 1,05,40 डन सर डबल टैक्सेशन यस अरे सर बट यस अरे लेकिन यस मन नहीं मान रहा है जाओ आओ ठीक है यस डबल टैक्सेशन है अच्छा तो चलो समझ में आया सभी के बोलो यस हाँ यहाँ पे और लास्ट रियल इस्टेट रियल एस्टेट पे जीएसटी नहीं आता है कोई लॉजिक बता सकता है रियल एस्टेट पे क्यों नहीं जीएसटी आता है क्योंकि जीएसटी गुड्स पे है भाई साहब और गुड्स का डेफिनेशन है एनी काइंड ऑफ मूवेबल अरे है ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं आता है ठीक है सिर्फ गुड्स पे आता है देन तो चलिए आगे का डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे फॉर आईटीसी ब्रेक के चलिए सर अगर सप्लायर के ने टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं तो गवर्नमेंट ट्रैक कैसे करती है भाई साहब रुक जा पहले लॉ फॉलो कर नहीं बनाया तो क्या होगा आगे आगे देखेंगे पानी के सर आप कितने साल के हो 20 साल का हो बेटा कोई बात नहीं अरुण प्रीवियस वाला चार्ट मैं कम से कम 5 बार रिवाइज करूंगा डोंट वरी अभी तो जस्ट पढ़ाया है नेक्स्ट 5 टाइम्स और रिवाइज कराऊंगा यस जीएसटी चार्ज आफ्टर टैक्सिंग अदर टैक्सेस करेक्ट पहले अदर टैक्सेस चार्ज करना पड़ता है एड करना पड़ता है और बाद में जीएसटी लगता है चाइल्ड मैरिज किया विश्व इश्यू ने 4 लाख बाहर आ चलो ठीक है टेक अ ब्रेक ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं ना लायक पढ़ना शिक्षा
चलिए तो दोस्तों हमने ये जो है, अरे नालायको ब्रेक हो गया, लंबी सांस लो, छोड़ो 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 छोड़ो, हाँ चलिए सर एक शायरी हो जाए, वाह वाह, मतलब ओके तुम्हारा ना ऐसा है सर, ब्रेक हो गया, थोड़ा बहुत खाना पीना हो गया, अब थोड़ा ना शायरी हो जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो एक शायरी सुनाता हूँ, ओके बात आप तक पहुंच जाए तो दांत दीजिएगा, दांत दिखाइएगा मत, दांत दीजिएगा। ओके हाँ ट्राई कर रहा हूँ भाई, मैं कोई अच्छा गायक नहीं हूँ, ये तो तुम्हारे टाइम पास के लिए है, ओके ना कोई ऐसा अच्छा शायरी बाज हूँ, ओके बस तुमको रिफ्रेश करने के लिए है। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया, एक अच्छी पोएम है, अच्छी पोएम है। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया, आगे सुनिएगा अगर आपके दिल को छू जाए तो वाह वाह कीजिएगा। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया, मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया, मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया। आगे सुनिएगा, आगे वर्ड एक आएगा इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम सेंट। मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया, उसकी चाहती की खुशबू से महका रहता हूँ, उसकी चाहती की खुशबू से महका रहता हूँ। आगे सुनिएगा, जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया। सो थैंक यू सो मच। ओके एक ऐसा ही सॉन्ग हमने टाइम पास बनाया था, ओके पर मुझे दो रुक जा, तो दो तीन लाइन याद आ रही है, ओके पूरा सॉन्ग याद करके फिर बाद में, पर अभी दो तीन लाइन याद आ रही है। क्या करूं डैडी पड़ोसन पढ़ने नहीं देते, क्या करूं डैडी पड़ोसन पढ़ने नहीं देती, क्या करूं मम्मी पड़ोसन सोने नहीं देती, क्या करूं डैडी पड़ोसन पढ़ने नहीं देती, बार बार टेरिस पर आके मुस्कुराती है, होय होय होय, क्या करूं डैडी पड़ोसन पढ़ने नहीं देती। ओके सो थैंक यू सो मच। ओके चलिए अब वो पूरा सॉन्ग याद आएगा तो फिर सुनाऊंगा मैं तुमको। ओके यहाँ पे हर बरा चुप बैठ नालायक, चल ओके नाउ यहाँ पे चल। तो हमने ये देखा, अरे चलो चलो चलो, ओके रियल इस्टेट सेक्टर में स्पेशली सेल और परचेस कंट्रोल, हाँ तो अरे बातें छते मुलाकातें बार, ठीक है
इधर ध्यान दो। तो रियल इस्टेट सेक्टर में जब भी सेल परचेस करते हो, प्रॉपर्टी सेल करते हो, परचेस करते हो, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जीएसटी गुड्स पे आता है, और गुड्स मतलब क्या बेटा? मूवेबल। अब थोड़ा ये थेरी बाद में लूँगा, जीएसटी काउंसिल एंड एक्सेट्रा। अभी हम डायरेक्ट आ जाते हैं, थोड़ा दो पेज आगे आ जाओ, और आपको ये डायग्राम दिखेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स दिखा सबको। ओके, मतलब क्या? वैट। हम वैट से जाएंगे क्रेडिट में, क्रेडिट से जाएंगे आईटीसी में, ठीक है, समझ लो। अब मैं सबका ध्यान चाहूंगा, डोंट टॉक इन बिटवीन। ओके, यहां देखो, जो भी बात कर रहा होगा उठाओ, सीधा सीधा उठाओ, ठीक है। नाउ वैल्यू एडेड टैक्स इंडिया में वैट मैकेनिज्म पहली बार 2004 में, कौन सा ईयर कहा मैंने, 2004 में सेल्स टैक्स में लाया गया। किस, कौन से टैक्स में लाया गया था? सेल्स टैक्स में, वैल्यू एडेड टैक्स, और एक्साइज में उसके पहले था। और फिर धीरे धीरे अभी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो जीएसटी में भी वैट मैकेनिज्म लाया गया। वैट एक मैकेनिज्म है, वो टैक्स का नाम नहीं है, ठीक है। इंडिया ने टैक्स का नाम ही वैट कर दिया, वो बात अलग है। पर इंटरनेशनली, जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा दुबई में वैट है, ओके, दुबई में वैट है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो वैट एक मैकेनिज्म है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें पहले ही बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स समझ जाएंगे, लेकिन उनकी एक जिद होगी मन में कि क्यों सर, रेवेन्यू क्यों सैक्रिफाई किया, क्यों ऐसा किया। हाँ, आपका पूरी कोशिश करूँगा आपके वाई को आंसर देने की, लेकिन लेकिन अगर समझ गया तो हाँ बोलना, फिर क्यों ऐसा हुआ उसके रीजंस मैं आपको ग्रेजुअली देते जाऊँगा, और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा एक स्टोरी, हैंड ब्रेक वाला ऑलवेज याद रखना, मैंने बताया था ना शायद, हैंड ब्रेक वाला स्टोरी याद रखना, ठीक है। तो धीरे धीरे धीरे, और आपको धीरे धीरे दो तीन लेक्चर में समझ गया होगा कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में थे धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। अरे यस और नो, और ऐसे ही आगे पूरा जीएसटी बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। तो नाउ ओके, शैला लिमिटेड एंड जीत लिमिटेड और कस्टमर, ठीक है। तो शैला लिमिटेड जो है ये जीत लिमिटेड को सेल कर रहा है, और आगे वो कस्टमर को सेल कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या था, जब वैट इंडिया में नहीं था, यानी 2004 के पहले, तो क्या होता था यहाँ पे, समझ लो शैला लिमिटेड जीत लिमिटेड को सेल कर रहा है, और प्राइस है 10,000, कितना कहा मैंने, 10,000। तब सेल्स टैक्स लगता था, आई रिपीट, तब कौन सा टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स ऑन सेल। मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में कहा कि आपको जब जब भी इवेंट को टच करोगे, आई रिपीट, जब जब भी इवेंट को टच करोगे टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्सेस इवेंट्स पे है, पर्सन पे नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ 10,000, और इसने सेल किया जीत लिमिटेड को, अगर सेल किया तो सेल ये इवेंट को टच किया, तो इसके वजह से सेल्स टैक्स लग जाएगा, और वो सेल्स टैक्स अज्यूम करते हैं एट द रेट क्या, 10%। ओके, तो 10% यानी कितना, 1,000। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। ओके, कमेंट सर दोनों को मिला दो, फालतू नाटक नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे सेल जो है, सेल प्राइस 10,000, सेल्स टैक्स 1,000, टोटल कितना हुआ बेटा, 11,000, ठीक है। अब मुझे बताओ जीत की परचेस कॉस्ट कितनी है, हाँ 11,000। इसका समझ लो वैल्यू एडिशन, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने, वैल्यू एडिशन 5,000 था। वैल्यू एडिशन इंक्लूड्स प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस, जो भी इसका खर्चा है, भाई इसने शॉप लगाने का खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट वाला, अरे यस और नो, फिर वो सैलरी हुआ, रेंट हुआ,
स्टेशनरी हुआ, वॉट एवर इट में भी प्लस प्रॉफिट, ऐसा 5000 का वैल्यू एडिशन किया। तो नाउ जब तक इंडिया में वैट नहीं आया था, आई रिपीट, जब तक इंडिया में वैट नहीं आया था, हम देख रहे हैं ट्रांजेक्शन विदाउट वैट, तो लोग क्या करते थे, लोगों की परचेस प्राइस थी 1 लाख क्या 10,000 प्लस उसका वैल्यू एडिशन कितना 5,000। तो आगे जब वो सेल करेगा, आगे जब वो सेल करेगा तो यहाँ पे प्राइस कितनी हो गई, तो प्राइस 1 लाख, 1 लाख कितना 16,000, हाँ सॉरी 1,15,000, अच्छा अच्छा गलती हो गई, 11,000 प्लस 5 यानी कितने हो गया 16,000 प्राइस। पर ये बंदे ने फिर से सेल को टच किया, फिर से सेल को टच किया तो कौन सा टैक्स लग गया, सेल्स टैक्स, तो फिर से सेल्स टैक्स लग गया, एट द रेट कितना 10%, यानी कितना हो गया 1600। अब ये टोटल प्राइस कितनी हुई 17,600, आप लिख रहे हो डायग्राम में मेरे साथ, ठीक है, तो 17,600। अभी तो मैंने सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन्स लिए है, मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन में ऐसा हुआ कि भाई ये 16 में 1000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अरे है ना, और वो 16 में फिर से टैक्स लगा, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। दूसरा एक एग्जांपल, अब सुनना, सिर्फ सुनो, कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं, कोई दिमाग में डाउट नहीं, सिर्फ मेरे वर्ड्स को सुनना, ठीक है। तो आपकी इस कॉन्सेप्ट में पावर ऑफ लिसनिंग बहुत अच्छी चाहिए, ओके, बात की बातें सब बाद में। तो अब यहां पे 16,000, लेकिन आपको एक बात बता दो, अगर हम गवर्नमेंट के एंगल से देखें तो मुझे बताओ इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को कौन देता है, ऑलवेज सेलर, अरे समझ में आया क्या, ऑलवेज सेलर एंड बर्डन पास ऑन। तो यहां पे सेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया, कितना टैक्स था 1000, तो यहां पे रुपीज 1000 गवर्नमेंट को पे कर दिया एंड बर्डन पास ऑन, आई होप यू अंडरस्टूड। और यहां जब आगे जो बेचा जा रहा है तो यहां पे जीत लिमिटेड ने गवर्नमेंट को कितना दिया, ओके, सेलर ही देगा ना, अरे यस और नो, क्योंकि ये उसने टैक्स लगाया 1600, तो वो 1600, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ, ये दो, अब कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया समझ लो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हो गया 1000 इससे लिया, 1600 इससे लिया, गवर्नमेंट को 2600 मिला। अब नाउ इंडस्ट्री का क्या कहना था, इंडिया में इंडस्ट्री का ये कहना था कि देखो सर, आपने मोबाइल समझ लो, इस मोबाइल जो प्राइस 10,000 है वो मोबाइल पर सेल्स टैक्स 1000 कलेक्ट कर लिया, अरे यस और नो, मैंने मेरा वैल्यू एडिशन कितना किया था सिर्फ 5000, और उसके बाद में ये 16 में जब टैक्स लगाया जा रहा है और आप पैसा ले रहे हो, अरे है ना, तो ये 16 में 10,000 पे तो डबल ले ही रहे हो, अरे मोबाइल भी वही, सब कुछ वही, सिर्फ हैंड शिफ्ट हुए, अरे है ना, यानी वो 10,000 पे तो डबल, 16 में 10 है, अरे यस सर नो, तो वो 10,000 पे तो डबल ले ही रहे हो, साथ साथ में उसके टैक्स पे टैक्स भी ले रहे हो, ये तो दो ही हैंड शिफ्ट हुए बेटा। अगर पूरी चेन होगी, मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके होलसेलर, होलसेलर से लेके रिटेलर, रिटेलर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर, तो भाई साहब ओके, ये जो 10,000 है, ये मेरी बात समझ रहे क्या, वो 10,000 पे, अरे गुड्स वही, प्रोडक्ट वही, कस्टमर तक मोबाइल ही जा रहा है मैन्युफैक्चर पे, और आप कितनी बार एक ही वैल्यू पे टैक्स लेते जा रहे हो, प्रोडक्ट वही है और टैक्स एक ही वैल्यू पे बार बार तो ले रहे हो, प्लस टैक्स ऑन टैक्स भी कर रहे हो, यानी वो एग्जाम्पल ऐसे, दो एग्जाम्पल होगा, देखो आप कन्विंस होते हैं क्या, ओके, और इससे आपसे आंसर मुझे चाहिए। पहला एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे ओके मेरा ईओ बैच लगाया, ये मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ईओ बैच लगाया कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ईओ बैच करना है,
लेकिन अब यो बैच में ओके यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं सर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं रेगुलर बैच लेता हूँ, ठीक है। यो बैच के 8,000 रुपीज उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब वो वापस पहला इवेंट क्या हुआ बेटा यो बैच का, अरे है ना 8,000 उसको लग गए, 8,000 उसको लग गए। अब वो क्या वापस ऑफिस में आया और मेरे ऑफिस में कहता है कि नहीं नहीं मुझे रेगुलर चाहिए। तो मेरे स्टाफ ने कहा रेगुलर तो आपको उसका 10,000 देना पड़ेगा अलग से। तो वो स्टूडेंट कहेगा कि नहीं नहीं मैं यो नहीं देना देखना चाहता, वो वापस करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए रेगुलर चाहिए। तो मेरे स्टाफ ने कह दिया नहीं 10,000 आपको अलग से देना पड़ेगा। तो एज अ स्टूडेंट आपका फीलिंग क्या रहेगा, क्या फीलिंग रहेगा, आप 10,000 अलग देने से रेडी हो या आप ये कहो कह रहे 8,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अरे है ना 8,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ, वो एडजस्ट कर लो ना यार। अरे हाँ या ना वो एडजस्ट कर लो, ये तो गलत हो गया। ओके मैंने एक भी पहला लेक्चर देखा वो भी डेमो यूट्यूब पे ही देखा, मैंने एक्टिवेशन भी नहीं किया। अरे हाँ या ना मैंने एक्टिवेशन मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने बुक्स वैसी की वैसी बैग पड़ी हुई है। आप अलग से 10,000 लेगे कैसे पहले आप, ओके यहाँ पे क्या आप ऑलरेडी 8,000 वो एडजस्ट कर दो यार, कोई भी यही बोलेगा। दूसरा एग्जाम्पल ओके देखो इससे समझ सकते हो क्या मतलब, तुम पहले जो 8,000 दिए उसका क्रेडिट मांग रहे हो। अरे यस और नो, पहले 8,000 दिया उसका क्या मांग रहे हो, क्रेडिट मांग रहे हो ओके, नहीं तो ये तो तुमने लूट मचा ली। दूसरा एग्जाम्पल, आप नीचे चाय पीने गए, चाय में बंदे ने सुनना, चाय में बंदे ने यहां पे मिल्क डाला, शुगर डाली, चाय पत्ती डाली और आपको चाय दिया। आप दोस्तों से बातें कर रहे थे, चाय वहां पड़े पड़े ठंडी हो गई। फिर आपने वो चाय वाले को बोला एक जरा, आप चाय के पैसे दे चुके थे चाय वाले को, जरा फिर से गर्म करके ला। अब चाय वाले ने कहा फिर से गर्म करने का उतना ही आपको 20 रुपीज देना पड़ेगा। आप बोलोगे नालायक भाई, गर्म करने में गैस लग रहा है उतना तेरा वैल्यू एडिशन है। अरे है ना बाकी का तो कंटेंट वही है। अरे समझे नहीं समझे, तो तू अगर लेना चाहता है तो तू ऑलरेडी कंटेंट जो ऑलरेडी उस पर क्यों ले रहा है, जितना तेरा वैल्यू एडिशन है उतना ही चार्ज करना भाई साहब, जितना गर्म किया गैस लगा उतना ही चार्ज कर, थोड़ा बहुत तेरे सर्विस का चार्ज कर। अरे यस और नो, तो वैसे ही इंडस्ट्री गवर्नमेंट को कह रही थी कि ये क्या लगा के रखा तुमने लूट। ओके यहां पे अगर वही प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट चेंज भी नहीं हुआ, वही मोबाइल है, वही मोबाइल आगे बढ़ रहा है और वो प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो। अरे है ना एक प्रोडक्ट के पर्टिकुलर वैल्यू पे आप टैक्स ले चुके हो, तो अब जो टैक्स लो मैंने जितना वैल्यू एडिशन किया उस पे लो यार। समझ में आया क्या, टोटल 16,000 पे क्यों ले रहे हो, मतलब वो 10 पे भी ले रहे हो और 5 पे भी ले रहे हो प्लस 1 पे भी ले रहे हो। ये कहां से आया 10 5 1 10, अरे समझा गया 10 प्लस क्या 5 प्लस 1, तो भाई साहब ये तो गलत हो गया, ये तो लूट मची है। ओके हम बिजनेस करने बैठे हैं, अपने कमाई के लिए बैठे हैं, पर समझ में आ रहा है कि हम गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं। तो ऐसे केस में पहली बार ओके इंडिया में सोचा गया कि नहीं वैट लाते हैं, इंडस्ट्री पे अंड्यू हार्डशिप हो रही है। आई रिपीट इंडस्ट्री पे जित ओके आगे इसने जितना वैल्यू एडिशन किया उतने ही वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए, डबल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगना चाहिए और टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जो कंट्री में वैट लाया था, आई रिपीट जो जो कंट्री में वैट लाया था वो सारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा, ग्रोथ बहुत हुई और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत बड़ा। उनके एक्सपीरियंस को देख के यहां पे गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं ओके डबल टैक्स लगाना सही बात नहीं है, इसलिए फिर ओके क्या क्या है बेटा वैट। अब वैट का मैकेनिज्म कैसा, वैट का मैकेनिज्म कैसा, अब नीचे एक आपको डायग्राम दिखेगी ट्रांजेक्शन विथ वैट। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट वन टाइप करो ओके चल अब आगे यही एग्जाम्पल को लेते हैं। कितने में सेल हुआ था बेटा, सेम एग्जाम्पल 10,000 में सेल हुआ था। अरे यस और नो ओके
और सेल्स टैक्स कितना लगाता है? एसटी, एसटी मतलब सेल्स टैक्स एट द रेट 10% 1000। ओके, तो अब और इसका वैल्यू एडिशन कितना? वैल्यू एडिशन कितना? 5000। वैल्यू एडिशन 5000, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रांजैक्शन विथ वैट, तो अब यहां पे मैं जो कह रहा हूं सिर्फ चुपचाप सुनना मैकेनिज्म। यहां पे जीत की परचेस वैल्यू 11000 नहीं मानी जाएगी। ऊपर हमने क्या ली थी उसकी परचेस वैल्यू 11000, यहां 11 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो भी आगे बिजनेस कर रहा है, बी टू बी चालू है, वो भी आगे बिजनेस कर रहा है, वो बी टू सी नहीं है, ये बी टू बी है और वो भी आगे बेचेगा। तो ऐसे केस में ओके, जो उसने पहले ऑलरेडी इनवॉइस में टैक्स दे दिया है, कैसे इनवॉइस में टैक्स दे दिया है कि बर्डन पास हो, अरे यस और नो, बर्डन पास हो, तो जो ऑलरेडी उसने इनवॉइस में टैक्स दे दिया है वो उसका सेट ऑफ मांगेगा। एक वर्ड ला रहा हो क्या? सेट ऑफ, क्योंकि उसको आगे टैक्स लगने वाला है। सेट ऑफ उसको ही मिलते है जिसको आगे टैक्स लगने वाला है, अरे यस और नो, तो आगे इसको आगे टैक्स। सर अगर यही अल्टीमेट होता तो फिर नहीं, यही समझ में आया क्या? यही अगर अल्टीमेट होता तो फिर नहीं, वो आगे बिजनेस कर रहा है तो वो सेट ऑफ मांगेगा। तो वो सेट ऑफ क्यों? क्योंकि टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो अब वो अपनी परचेस प्राइस कितने पर कंसीडर करेगा? अरे परचेस प्राइस कितना? 10000। उसका वैल्यू एडिशन कितना? 5000। ओके, तो वो कितने में सेल करेगा? वो कितने में सेल करेगा? सिर्फ सुनो सुनो सुनो, समझ में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे आएगा। प्राइस 15000। ओके, और ये भी आगे सेल कर रहा है तो कितने में सेल कर रहा है? 15 में। उसके बाद में फिर से क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एट द रेट 10% यानी कितना? 1500 यानी 16500। ये समझ में आया क्या? ओके, तो अब ये जो है ये आगे टैक्स लगाएगा 1500 और वो कस्टमर को बर्डन पास हो। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन अब यहां पे गवर्नमेंट को क्या पे होगा? तो गवर्नमेंट को शैला लिमिटेड कितना देगा? 1000। कितना देगा बेटा? 1000। यहां पे ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। और आगे ऐसे केस में यस, जीत लिमिटेड ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए? अब अगर हम फंडा जाए तो जितना उसने वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन किया उसने? 5000। वो चाय वाला बेस्ट एग्जांपल है भाई, जो गरम किया उतना एक्स्ट्रा ले। अरे है ना, पहले का पैसा क्यों ले रहा है? चीनी तो ऑलरेडी डाली हुई है, मिल्क पहले से था। ये समझ में आया क्या? तो नाउ ऐसे सिचुएशन में ये जो 5000 इस पे टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 5000 भी नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने एक अलग मेथड यूज की। आएगा 5000 पे पर मेथड अलग होगी। कैसे? तो गवर्नमेंट कहती है कि जीत लिमिटेड आगे जब सेल करेगा, सुनना, जीत लिमिटेड आगे जब सेल करेगा तो टैक्स इनवॉइस बनेगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया? टैक्स इनवॉइस बनेगा, उसमें वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा। और ओके, अब मैं दो वर्ड पिक्चर में ला रहा हूं जिसको सभी ने याद रखना है। जो आप बेचते वक्त टैक्स लगाते हो उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। मैंने क्या कहा? उसे कहा जाता है, तो ये तुम्हारा ओके आउटपुट टैक्स इसके ऊपर लगाया जाएगा। और जो आप परचेसेस में बिल में आता है, आई रिपीट, परचेसेस के बिल में आता है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ये समझ में आया क्या? ओके, तो अब यहां पे वो जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को कितना देगा? तो जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को देगा ओके, तो नेट, यहां लिखो नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बाय जीत लिमिटेड, नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय जीत लिमिटेड, तो लिखो आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना बेटा यहां पे? 1500। आउटपुट टैक्स 1500 लेस उसी गुड्स पे, मेरी बात सुनना क्या, उसी गुड्स पे आपने परचेसेस पे कितना दे दे दे, दे दिया है? हाँ, 1000। तो लेस आपका इनपुट टैक्स,
इनपुट टैक्स कितना बेटा 1000, तो नेट कितना पेबल आएगा? नेट पेबल 500, नेट पेबल 500, ओके। तो ये नेट 500 ये गवर्नमेंट को पे करेगा, नेट 500 रुपीस गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। आउटपुट टैक्स माइनस क्या? इनपुट टैक्स, ओके। तो इससे थोड़ा रुक जाना, नो डाउट्स, ओके, अभी रुक जाओ, सुनो सिर्फ मुझे। तो अब ये 500 पे करेगा, मुझे बताओ हम सेल्स टैक्स का रेट कितना ले रहे हैं? सेल्स टैक्स का रेट कितना ले रहे हैं? 10%। तो अब यहां पे हम गवर्नमेंट को नेट कितना पे कर रहे हैं? 500। तो अगर मैं आपको ये मेथड से नहीं जाता और डायरेक्ट कहता 5000 का 10%, तो कितना आता? 500 ही आता। अरे आया ना, मैंने मेथड दूसरी ली, पर मैं डायरेक्ट आपको कहता हूं कि इसने वैल्यू एडिशन जो किया उसका 10% दे दो, तो कितना आ रहा है उसका वैल्यू एडिशन 10%? 500 ही आ रहा है। और ये भी इसमें कितना आ रहा है? 500 ही आ रहा है। अरे आया ना, लेकिन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मेथड इंडिया में यूज नहीं किया है। गवर्नमेंट कहता है यहां पे मेथड क्या है, गवर्नमेंट कहता है कि सेल करते वक्त टैक्स इनवॉइस बनेगा, टैक्स इनवॉइस बनाओ, उसका टैक्स निकालो, एंड दैट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो नेट आएगा उतना गवर्नमेंट को दो, ओके। तो इस तरह से यहां पे, तो इसके फायदे क्या हुए? चलो अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, जितना सवाल पूछा उस पर ही सोचना, एक्स्ट्रा नहीं। मुझे बताओ जब हम ऐसे कोई सेट ऑफ नहीं दे रहे थे, ऐसे हम क्रेडिट नहीं दे रहे थे, तो क्या प्राइस बन रही थी कस्टमर के लिए? क्या प्राइस बन रही थी कस्टमर के लिए? मैंने पहले ही बोला कि कोई सवाल नहीं पूछना, ठीक है, मतलब आप पेशेंस नहीं रख सकते हो शायद। तो यहां प्राइस का क्या बन रही थी? 17,600। और यहां कस्टमर को क्या प्राइस मिल रही है? 16,500। प्राइस बढ़ी कि कम हुई? अरे भाई साहब कम हुई, तो इसमें क्यों कम हो गई, प्राइस क्यों कम हो गई? क्या इसने अपना वैल्यू एडिशन कम कर दिया? क्या इसने अपनी कॉस्ट कम कर दी? फिर क्यों कम हुई? हाँ, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट खत्म हो गया। कैसे टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट खत्म हो गया भाई साहब? अच्छा, दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ, 1100 का आ रहा है। तो 1100 का डिफरेंस कैसे आया, कोई बता सकता है? माइक देना, ओके। कैसे आया 1100 का डिफरेंस? बताओ सर। हमने सेल प्राइस में पहले तो जो सेल टैक्स था 1000 वो नहीं लिया, और उसके ऊपर का टैक्स जो 100 रुपीज आया वो नहीं लिया, इसलिए पूरी 1100 का डिफरेंस आया। पहले तो ये 1000 जो, पहले तो ले लेता हूँ, ये 1000 जो किस में एडेड था? सेल प्राइस में एडेड था, 1000 16000 में एडेड था। हाँ, तो वो लिया okay, नहीं। उसका 10% का इम्पैक्ट, हाँ वो 100 का उसका 10% का इम्पैक्ट कितना हुआ? 100 रुपीज। यस, अरे यस और यस, 100 रुपीज। और फिर हमारा तो 1100 का इम्पैक्ट निकला। जो सेल टैक्स था 1000 वो भी प्राइस में ऐड नहीं किया ना अपन ने। कौन से प्राइस में? सर जो नीचे देखो 15,000 लिया है, क्योंकि जो 15,000 क्योंकि अपन ने वहां पे 15,000 में तो 10 इंक्लूडेड है। नहीं, 10,000 यस, 15,000 में 10 इंक्लूडेड है, पर वो 10 का जो टैक्स दिया उसका माइनस भी किया है। हाँ, नहीं समझा आप? अरे आया ना, ऊपर हमने ऐसा कोई माइनस किया क्या? नहीं। अरे यस और नो? तो यहां हमने क्या किया? यस, ये 15 में 10 इंक्लूडेड है भाई साहब, लेकिन वो 10 पे जो टैक्स लगा वो माइनस भी हुआ है। अरे यस और नो? तो ओके, इंपैक्ट जो आया वो 100, और ये जो माइनस हुआ उसका 1000। ये समझा या नहीं समझा? तो जो एक अमाउंट पर दो बार टैक्स लग रहा था वो भी निकल गया, अरे आया ना, और जो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था वो भी निकल गया। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट को यहां पे नेट कितना पे करना पड़ेगा? 500। तो यहां पे सर बात समझ गई, समझ गई। ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ, बात समझी या नहीं समझी, प्लीज बताओ। ओके चलिए, अब मुझे रिस्पॉन्स दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि इसमें तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ? पहले गवर्नमेंट को दो लोगों से, जब तक कस्टमर तक नहीं जाता है, आई रिपीट, क्या जब तक कस्टमर तक नहीं जाता है, दो लोगों से कितना पैसा मिल रहा था?
2600. अब यहाँ पे दो लोगों से कितना मिल रहा है? 1500. तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू कम हो गया. यस, कम हो गया. पर यूनिट रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो गया. लेकिन कोई भी यहां पे कंट्री को अपने आप की डेवलपमेंट करना है तो टैक्स पे डिपेंडेंट होना सबसे गलत है. अरे आया ना. अगर कंट्री को अपनी रियल ग्रोथ करनी है तो अपने लोगों को लूटने से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाओ. अरे आया ना. एक्सपोर्ट बढ़ाओ, बाहर से पैसा कमाओ, रादर देन इंपोजिंग द क्या टैक्सेस. आई होप यू अंडरस्टूड. तो गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू सैक्रिफाइस करना ही पड़ा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. आई रिपीट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री. और मैं सच में कहता हूं इसके बाद में, ओके, दूसरा एक फायदा हुआ. और आप अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ देखोगे तो मैं आपको बताता हूं, ओके, पर यूनिट रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हुआ लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा गवर्नमेंट का. सर क्या बात कर रहे हो यार. पर यूनिट कम हुआ और ओवरऑल रेवेन्यू कैसे बढ़ा बताता हूं. ओके, वैट का क्रेडिट देते ही, आई रिपीट, वैट का क्रेडिट देते ही प्राइजेस कम हुई. प्राइजेस कम हुई तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी. अरे आया ना. लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ. अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की परचेसिंग पावर और बढ़ी. अरे आया ना. तो ये सर्कल में गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये एक रीजन, आगे और रीजन बताऊंगा. पहले तो मुझे बताओ क्रेडिट कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ. ओके, अब गवर्नमेंट ने 2004 के बाद और जीएसटी में भी वैट मैकेनिज्म का यूज किया. वैट एक मैकेनिज्म है. अरे बेट, वैट एक जो कहता है टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन. और ये मैकेनिज्म जीएसटी में भी लाया. जीएसटी में भी आपने जो परचेस किया उसका क्रेडिट दिया गया. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, आपने जो परचेस किया तो इस तरह से आप जो परचेस करोगे. कुछ नहीं बेटा आयुषी, आप कन्विंस नहीं हो, है क्या इसके अंदर? ओके, सेल पे जो टैक्स लगा माइनस परचेस का टैक्स कर दो. कंसेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो कि क्यों क्रेडिट दिया, क्यों रेवेन्यू कम किया, गलत है ना रेवेन्यू कम करना. अरे आया ना. तो वो थोड़ा मैं धीरे धीरे सेटिस्फाई कर दूंगा, उसके बाद भी नहीं होगा ना लायक. हाँ, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. एक बार फिर से नाउ एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, देखो और आपको क्लैरिटी आएगी. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. पूरा वो कंटिन्यूटी दिख रही है आपको? यस और नो? मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसमें बताओ बी टू बी कब तक चलेगा? जब तक बी टू बी चल रहा है तब तक क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा. एक बार फिर से, जब तक बी टू बी चल रहा है तब तक क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? और लास्ट कब तक जा रहा है बेटा? अल्टीमेट कस्टमर. जैसा मेरा और आपके इसमें, ओके, हाँ, अब देखो मेरे और मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ, ओके, डायरेक्ट कस्टमर है तो फिर वही चेन खत्म हो जाती है और मैंने जो परचेस किया उसके क्रेडिट मिल जाते हैं. अरे है ना. ओके चलो ठीक है, मैं आगे और आपको समझाता हूँ. इसके पहले वाला एग्जाम्पल वो फ्लो वाला लिया था हमने, वो क्या है मुझे वहाँ की प्राइस बताओ. पेज नंबर थ्री पे आओ. कितना लिया था मैन्युफैक्चर? चलो पहले प्राइस फिक्स कर लेते, सेल प्राइस कितना था? 1 लाख. अच्छा, वैल्यू एडिशन कितना था डिस्ट्रीब्यूटर का? हाँ बताओ उसमें. नहीं, पेज नंबर थ्री पे देख के बताओ. तो यहाँ करेक्ट कर लो, मैं वही एग्जांपल को लूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी. 10,000 कर दो यहाँ पे वैल्यू एडिशन, ये स्क्रैच करके 10,000 कर दो, ठीक है? उसके बाद में होलसेलर का वैल्यू एडिशन कितना होगा? 18,000 था ना, तो इसको 18,000 कर दो वैल्यू एडिशन यहाँ स्क्रैच करके. अच्छा, उसके बाद में रिटेलर का वैल्यू एडिशन, हाँ 15,000 ले लो, ठीक है 15,000.
चलिए अब यहाँ पे पहला सेल हुआ, प्राइस यहाँ पे 1 लाख, और गवर्नमेंट ने जब इंडिया में वैट लाया तो सेल्स टैक्स का नाम बदल के क्या कर दिया, वैट। सेल्स टैक्स का नाम बदल के क्या कर दिया बेटा, वैट। अब बेटा प्राइस, अब मैन्युफैक्चर, अच्छा मैन्युफैक्चर ने भी किसी से खरीदा होगा, अरे यस और नो, समझ लो उसने खरीदा 50,000 में। अब ज्यादा पीछे मत जाना, फिर उसने भी खरीदा होगा, अरे मैं कहां से स्टार्ट करूं फिर, अरे है ना, मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अब शुरू हो जाओगे सर, फिर उसने भी किसी से खरीदा होगा। ओके, तो यहां पे 50,000। अब हम पूरे डिस्कशन में पेज नंबर 3 पे क्या रेट लिया था हमने, 10%, तो वही रेट को लेके चलते हैं। ओके, तो यहां पे वैट, यहां सेल्स टैक्स वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, क्या वैट, एट द रेट 10% कितना आ रहा है, 5,000। ये उसकी क्या हुई बेटा, ये इसने सेल कर दिया, इसने परचेस किया। ओके, सेल कर दिया और इसने परचेस किया। हाँ, एक पॉइंट मुझे याद आया, आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे ओके क्या कहना चाहता हूँ, देखो पहले तो जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी 2 मिनट के लिए दिमाग में फिक्स कर दो कि हाँ तुम्हारा जो आउटपुट टैक्स होता है माइनस तुमने जो ऑलरेडी बिल में पे कर दिया है, क्या कहा मैंने, ऑलरेडी बिल में पे कर दिया है, वो माइनस हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, जिसके लिए नाम दिया गया क्रेडिट, जिसके लिए नाम दिया गया क्रेडिट, ये समझ में आया क्या, और नेट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है और हम वहां अटके हुए हैं, सर ये बताओ ये गवर्नमेंट को 500 ही पे कर रहा है, गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, 500, लेकिन कस्टमर से तो वो 1500 ले रहा है, बिल में कस्टमर से 1500 ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है गवर्नमेंट को 50। तो भाई साहब यहां पे अगर आप केयरफुली देखोगे तो इसने 1500 का बर्डन लिया हुआ है, कैसे लिया 1500 का बर्डन, परचेस पे 1000, अरे है ना, परचेस पे 1000 प्लस क्या 500 एंड बर्डन, पास ऑन, पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से वो 1500 का बर्डन पास ऑन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सेल प्राइस कितनी है यहां पे, 1 लाख। ओके, 1 लाख का, अब एक मिनट, इसका वैल्यू एडिशन जो भी होगा, अगर वैल्यू एडिशन निकालने जाओ तो वैल्यू एडिशन इसका कितना आ जाता है बेटा, 50,000, ठीक है, क्योंकि 50 में खरीदा, वैल्यू एडिशन 50, बेच कितने में रहा है, 1 लाख में। ओके, तो यहाँ पे अब फिर से वैट लग जाएगा, वैट एट द रेट 10%, क्योंकि इवेंट्स पर टैक्स लगता है, तो वैट 10% कितना आ जाएगा, 10,000। तो मुझे बताओ ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाओ इसका, स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेबल। तो बताओ इसका आउटपुट टैक्स कितना है, अरे बोलो ना आउटपुट टैक्स कितना है, 10,000। ओके, लेस। अब मैं एक मिनट, उसके परचेस को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, उसके परचेस को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, जो परचेस पे टैक्स लग के आया। ओके, और उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, आई रिपीट, इनपुट टैक्स का आपको, तो एक वर्ड पिक्चर में आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अरे है ना, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या बेटा, ITC। ओके, क्रेडिट, अच्छा इनपुट का कितना क्रेडिट मिलेगा उसको, 5,000। तो नेट कितना आएगा, नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 5,000। ओके, और तो यहां पे ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, कितना पे करेगा, ₹5,000। अच्छा मुझे ये बताओ उसका वैल्यूएशन कितना था 50, और डायरेक्ट उसका 10% में ही कितना आता है, 5। पर हम डायरेक्ट पे करते हैं या आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स करते हैं, मेथड ये है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हम डायरेक्ट नहीं देते, यस और नो। ओके, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इस तरह से हुआ, इसने इसको बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर को जब बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस कितनी हुई, डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस 1,10,000 हुई या 1 लाख हुई, 1 लाख हुई, आई रिपीट 1 लाख ही हुई, ये समझ में आया क्या, तो 1 लाख परचेस प्राइस हुई। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, अब सबने ध्यान देना, ओके आप कह रहे हो कि परचेस प्राइस 1 लाख होगी, तो जर्नल एंट्री कैसी होती है, मैं जर्नल एंट्री भी लूंगा, पहले मैं स्टेटमेंट बना लेता हूं फिर जर्नल एंट्री लेता हूं, अरे यस और नो। ओके, तो यहां पे 1 लाख, वह जनरल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, पर
आपको चाहिए तो मैं करके दे दूंगा। तो यहाँ पे 1 लाख और 10,000, तो इसकी परचेस 1 और उसका वैल्यू एडिशन कितना है? अरे उसका वैल्यू एडिशन कितना है? 10,000। तो बताओ कितने में बेचेगा वो? हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर परचेस प्राइस 110 क्यों नहीं, क्योंकि 110 इसलिए नहीं क्योंकि उसको 10,000 उसका कॉस्ट नहीं है, उसका क्रेडिट है। नहीं समझा? 10,000 उसका कॉस्ट नहीं है, उसका क्रेडिट है, क्योंकि वो बिजनेस के चेन में है अभी। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए यहां पे 10,000, तो यहां सेल प्राइस क्या रहेगी उसकी? तो सेल प्राइस 1,10,000। ओके, और फिर से वो क्या लगाएगा बेटा यहां पे? वैट। वैट एट द रेट क्या लगाएगा? 10%। कितना हुआ? 11,000। ओके, तो 11,000 टोटल 1,21,000 या 1,10,000 टोटल। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटर का स्टेटमेंट बनाओ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कितना गवर्नमेंट को पे करेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेबल कितना रहा है? मेरे साथ फटाफट करो। ओके, कितना रहा है? लिखो आउटपुट टैक्स ये कितना? 11,000 लेस क्या बेटा? आईटीसी मतलब इसका इनपुट पर कितना टैक्स है? ओके, इनपुट पर कितना टैक्स है? 10,000। उसका क्या मिलेगा उसको? क्रेडिट। ओके, 10,000 तो नेट कितना आया? नेट जीएसटी पेबल 1,000। नेट जीएसटी पेबल यहां पे 1,000। डन? यस और नो? चेन को अब देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के बुक्स में जनरल, आप डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंटेंट हो, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर के बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है, तो उसकी परचेस की एंट्री और उसकी सेल्स की एंट्री, चलो उसकी परचेस की एंट्री बताओ क्या होगी? ओके, परचेस की एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट कितने से? ओके, परचेस अकाउंट डेबिट कितने से? 1,00,000। ठीक है, और जो टैक्स लग के आया, आई रिपीट, जो टैक्स लग गया उसका क्रेडिट है, तो यहां पे आईटीसी अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट, अरे है ना, तो यहां पे आईटीसी अकाउंट डेबिट, आई रिपीट, आईटीसी अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 लेस, सॉरी, ओके, टू के क्या आएगा? टू बैंक कितना बेटा? 1,10,000। चलो ये सप्लायर को पे कर दिया और उसने उसका बर्डन ले लिया, पर अभी टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि उसको वो बिजनेस वाला आदमी है, तो आगे जाके उसका क्या लेगा? वो क्रेडिट लेगा। अरे यस और नो? ओके, नाउ क्रेडिट क्यों लेगा? क्योंकि उसको टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन देना है। यस और नो? उसकी जो, जब तक वो क्रेडिट नहीं लेगा उसका वैल्यू एडिशन का नेट नहीं निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब सेल किया, सेल की एंट्री क्या है? उसने सेल कितने में किया? 1,00,000 की परचेस है, 10,000 वैल्यू एडिशन है, 1,10,000 क्या एंट्री आएगी सेल की? बैंक या डेटर्स जो भी होगा। ओके, बैंक कैश या क्या बेटा? डेटर्स। तो बैंक कैश और डेटर्स कितना? उससे तो पूरा लेना है हमको, कितना लेना है उससे? 1,21,000। ओके, कितना लेना है डेटर से? 1,21,000। तो 1,21,000 टू बताओ क्या? सेल्स। ओके, टू सेल्स कितना? 1,10,000 टू जीएसटी पेबल। आई रिपीट, क्या? क्योंकि इसको जीएसटी देना है ना। अरे आया ना, ये जीएसटी तो इसका है ना, कितना जीएसटी उसका? 11,000। तो टू जीएसटी पेबल कितना आया? 11,000। यस और नो? पर अब ये पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को देगा या इसका क्रेडिट भी ले लेगा? अरे आया ना, क्रेडिट भी लेगा ना। तो अब तीसरी एंट्री क्या होगी? देखो, क्या कोई बता सकता तीसरी एंट्री क्या होगी? जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 11,000। समझा या नहीं समझा? कितना? 11,000। अच्छा, पूरा 11 देगा कि उसके परचेस का क्रेडिट मिलेगा? टू आईटीसी कितना? कितना बेटा?
10,000 एंड बाकी बचा हुआ कैश और बैंक, बाकी बचा हुआ कैश और बैंक, ओके वो कितना रहेगा? 1,000. तो आपने जीएसटी कैसा दिया? तो आपने जीएसटी आपका आईटीसी लिया, अरे आया ना, और बचा हुआ कैश में. आई होप ये जर्नल एंट्री आपको समझी होगी. कितने स्टूडेंट्स हैं ऑनेस्टली बताओ जिसको नहीं समझा क्लास में? नहीं समझने के दो रीजन हो सकते हैं, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं इसलिए नहीं समझा, या इतना अच्छा पढ़ाया कि कोई डाउट ही नहीं, कौन सा रीजन है? हाँ सेकेंड वाला. चलिए तो इस तरह से वो 121 आया. ओके और ये आगे कस्टमर. अब मुझे ये बताओ कि होलसेलर अभी B2C हो गया कि B2B में ही चालू है? B2B में ही चालू है. B2B में जब तक चालू है मतलब, क्योंकि वो आगे सेल करने वाला है, आई रिपीट वो आगे सेल करने वाला है, तो वो क्रेडिट ले सकता है. आई रिपीट वो क्रेडिट ले सकता है. जैसे आपको क्लास की रिसिप मिली, GST लगा के मिला, आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो. अरे आया ना. पर अगर आप यहां पे कोई पर्पस के लिए मेरी सर्विस लेते, आई रिपीट कोई पर्पस के लिए मेरी सर्विस लेते क्योंकि आपका आगे बिजनेस है, आपका आगे बिजनेस है, तो फिर मैं बिल्कुल आपको बिल देता और आप क्रेडिट लेते. चलो मैं और समझाऊंगा. तो अब यहां पे ये बताओ होलसेलर की परचेस कॉस्ट कितनी हुई? अरे उसकी परचेस कॉस्ट कितनी हुई? 1,10,000. और उसकी वैल्यू एडिशन कितना है? 18. तो सेल प्राइस कितनी बनेगी उसकी? 1,28,000. डन. अब ये 1,28,000 फिर से क्या वो वैट लगाएगा? वैट एट द रेट क्या बेटा? 10%. वैट एट द रेट 10% फिर से वैट लगाएगा. अब यहां पे फिर से जो वैट लगा रहा है यहां पे कितना आ रहा है? 12,800. अच्छो ये गवर्नमेंट को यहां पे लिख दो, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर में लिख देना, ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? ₹1,000 पे करेगा ये गवर्नमेंट को. अच्छा इसका स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ वैट, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल, सॉरी जीएसटी नहीं आएगा, नेट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स कितना है इसका? आउटपुट टैक्स 12,800 लेस क्या बेटा? आईटीसी. परचेस पे कितना लग के आया? 11,000. परचेस पर क्रेडिट लेगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, समझ में आया क्या? तो वो क्रेडिट ले लिया 11,000. कितना नेट आया? 1800. यस और नो? अच्छा थोड़ा टैली भी कर लेते हैं. उसका वैल्यूएशन कितना था? 18,000 था ना उसका वैल्यूएशन. उसका 10% कितना आता है? 1800. ये भी कितना आ रहा है? 1800. ये मेथड से उतना ही आएगा, पर मेथड ये. अरे यस और नो? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो गवर्नमेंट को वो पे करेगा ₹1,800. डन. अच्छा आगे वाला रिटेलर लास्ट बंदा है कि वो अभी भी बिजनेस चेन में है? नहीं लास्ट बंदा नहीं है क्योंकि वो आगे बेच रहा है. अरे है ना, वो आगे बेच रहा है तो अभी बिजनेस चेन में है. अरे ये सर नो. तो अब उसका, अच्छा उसका परचेस कॉस्ट कितना हुआ? 128. उसका परचेस कॉस्ट कितना हुआ? 128. बाकी का तो क्रेडिट मिलेगा उसको, तो 128 ओके प्लस 15 यानी उसकी सेल प्राइस कितनी हुई? हाँ सेल ओके सेल एक मिनट 1,43,000 उस 43 ना, उसके ऊपर वैट लगेगा 10%. वैट लगाओ 10% कितना हुआ? 14,300. टोटल कस्टमर को कितने मिला? 157,300. ये कस्टमर को मिला 157,300. अच्छा तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल गवर्नमेंट को कितना देगा?
तो लिखो आउटपुट टैक्स कितना है उसका आउटपुट टैक्स, ये उसका आउटपुट टैक्स है 14,000, उसने जो बेचा उसके ऊपर टैक्स लगाया, और लेस लेस क्या बेटा आईटीसी कितना 12,800, नेट कितना यहाँ नेट टैक्स 1500, उसका वैल्यू एडिशन कितना था क्रॉस चेक कर लो, अरे आया ना 15,000 था नेट उतना ही आया, अरे यस और नो, ओके 10%, तो क्या ये गवर्नमेंट को 1500 पे करेगा, गवर्नमेंट को रुपीज 1500 पे करेगा, ओके तो यस। अब कस्टमर भी क्रेडिट ले सकता है क्यों नहीं, क्योंकि उसका आगे कोई क्रेडिट तब तक ही मिलते हैं जब तक आगे बिजनेस है, अरे यस और नो। अब यहाँ क्रेडिट चेन खत्म। अब मेरा सवाल है कि पेज नंबर 3 वाले पे जाओ और पेज नंबर 3 पे ये बताओ ओके कि वहां लास्ट कस्टमर प्राइस कितनी आई थी, 1,98,000, या लास्ट कस्टमर प्राइस कितनी आई विद सेम वैल्यू एडिशन, प्राइस सब्सटेंशियली रिड्यूस। और ये तो मैंने सिर्फ 10% लिया, बहुत सारे गुड्स तो 28-30% पे देता हूं, अरे आया ना, इमेजिन करो 30% पे कैस्केडिंग इफेक्ट, मर जाता था प्राइस में और टैक्सेस में, ये समझ में आया क्या। तो अब ऐसे केस में प्राइस सब्सटेंशियली रिड्यूस, और एक मैं आपको मैजिक बताता हूँ वैट का, जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू, आई रिपीट जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू, अच्छा गवर्नमेंट का रेवेन्यू लो कैलकुलेटर, सभी कैलकुलेटर लो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, डोंट वरी आज जो मैं पढ़ाया फिर से आराम से बहुत अच्छे से मैं नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करूंगा और फिर से आपके डाउट्स लूंगा, डोंट वरी मैं बैठा हूं, अरे आया ना ओके। मुझे बताओ गवर्नमेंट ने कितना कलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने 5,000 कलेक्ट किया, अरे यहां से चालू किया था हमने 5,000 प्लस इससे कितना लिया 1,000 लिया ना, यहां थोड़ा करेक्शन करता हूं, यहां 1,000 है ना, नहीं नहीं यहां 1,000 कैसे, 5,000 ही है ना, हाँ ओके रुक जाओ, 5,000 प्लस 5,000 इससे लिया, आगे कितना लिया 1, ओके उसके आगे कितना लिया ओके 1,800, उसके आगे कितना लिया 1,500, कितना टैक्स कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट का, हाँ कैसे 9,300 ओके कैसे 9,000, दो बार 5,000 आएगा ना, अरे ये पहला 5,000 प्लस ये 5,000 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 कितनी टोटल आई 14,300, वही लास्ट बिल का टैक्स रहेगा। नहीं समझा, जितना पूरे चेन में गवर्नमेंट का कलेक्शन एंटायर बर्डन, सर ये मैजिक कैसे हुआ, बस हुआ ओके क्यों, क्योंकि हर स्टेज पे कैस्केडिंग हो रहा है या ओनली वैल्यू एडिशन पे हो रहा है, ओनली वैल्यू एडिशन पे हो रहा है, प्राइस सब्सटेंशियली रिड्यूस। और अब इसके कुछ फायदे बताता हूं गवर्नमेंट का बेटा, एक तो वो इकोनॉमिकल बेनिफिट तो है ही क्योंकि प्राइस कम होने से, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सबने सुनना उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, वैट लाने से आईटीसी कॉन्सेप्ट लाने से इनपुट का सेट ऑफ देने से कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड करने से, अरे आया ना, मनाओ गवर्नमेंट का जो ब्लैक मार्केटिंग कम हो गया। सर ब्लैक मार्केटिंग कैसे कम हो गया, पहले मुझे याद है ओके पहले जब हम मोबाइल के शॉप पे जाते थे, मेरे को वो भी याद है 2004 के पहले, यस और नो, तो वहां पे स्पेसिफिक दो काउंटर होते थे विद बिल विदाउट बिल, आज भी होते हैं ओके पर आज क्यों होते बाद में बताऊंगा, पर तब तो बिल्कुल इतना ब्लैक मार्केटिंग चलता था। ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या, बिना टैक्स पे किया गुड्स बेचना, अरे है ना, उसको कहा जाता है ब्लैक मार्केटिंग। लेकिन वैट आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ वैट ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, समझ लो इस रिटेलर ने डिसाइड किया कि मैं बिना बिल का बेचूंगा, भाई साहब अगर इसने बिना बिल का बेचा, सुनना इसने अगर बिना बिल का बेचा, पर इसके परचेसेस तो बिल में है, स्टॉक मैच नहीं होगा, और स्टॉक मैच नहीं होगा तो डिपार्टमेंट इसको नहीं छोड़ेगा, ये समझ में आया क्या। अगर इसने बिल में खरीदा है तो इसको बिल में ही बेचना पड़ेगा,
यस और नो, समझ लो ये पूरे चेन में, ये पूरे चेन में रिटेलर ऑनेस्ट है, ये पूरे चेन में डिस्ट्रीब्यूटर ऑनेस्ट है, मैन्युफैक्चरर ऑनेस्ट है, पर ये होलसेलर होलसेलर बोल रहा है कि नहीं मैं बिना बिल का बेचूंगा। भाई साहब अगर ये बिना बिल का बेचने गया तो इससे कोई खरीदेगा नहीं, क्यों? रिटेलर नहीं खरीदा, क्योंकि रिटेलर बोलेगा मैं जीएसटी दे रहा हूं भाई, अगर मैं जीएसटी दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट चाहिए, नहीं तो पूरा टैक्स मेरे पे आ जाएगा। अरे आया ना, मुझे लेस आईटीसी चाहिए, और लेस आईटीसी के लिए इनवॉइस होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन क्या इंक्रीज। भाई साहब गवर्नमेंट को पता था कि वैट लेके आ जाओ, सब लोग खुद होके इनवॉइस देंगे या कस्टमर इनवॉइस मांगेगा। इमेजिन करो आपका बिजनेस होता तो आप में से जीएसटी का इनवॉइस खुशी खुशी लेके जाते। क्यों खुशी खुशी लेके जाते जीएसटी का इनवॉइस? क्योंकि आपको आईटीसी मिलने वाला है, ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होने वाला है, रिकॉर्ड में एंट्री होने वाली है, टेंशन नहीं। समझ में आए क्या? ओके हाँ, आप जो है क्रेडिट नहीं मिलता है तो वहां फ्रॉड होते हैं फिर। ओके कुछ स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सर बिल नहीं लिया तो जीएसटी कम होगा क्या? अरे आया ना, तो वहां फ्रॉड होते हैं, पर जब तक तुम चेन में हो, आई रिपीट, जब तक तुम ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाती है। तो 2004 के पहले अराउंड 50-60% इंडिया में ब्लैक मार्केटिंग थी, ब्लैक में गुड्स बेचे जाते थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहां पे वेस्ट हो रहा था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग पकड़ में नहीं आ रही थी। सर क्यों नहीं पकड़ में आ रही थी? क्योंकि ऑफिसर खुद इन्वॉल्व थे। अरे यस सर नो, ओके गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल किया, नहीं आया कंट्रोल में, तो फिर यह समझ में आया कि भाई हम इतना कंट्रोल क्यों करें, सिस्टम ही बदल दे। सिस्टम में क्या होगा, पर यूनिट रेवेन्यू मेरा कम दिख रहा है, आई रिपीट, पर यूनिट रेवेन्यू मेरा कम दिख रहा है, लेकिन जो 60% ब्लैक मार्केटिंग होगी वो ट्रांसपेरेंट यहां पे रिकॉर्ड में आ जाएगी, और वो अगर रिकॉर्ड में आ जाए तो भाई साहब ओवरऑल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज। ये समझ में आया क्या? तो वैट से मैं आपको बता दू, अभी भी 10% अगर तब का कंपेयर करें तो सिर्फ अभी 10% फ्रॉड बचा है, ओके बाकी सब रिकॉर्ड में आ गया, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा ही है, कम हुआ ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था ओके बेनिफिट्स ऑफ वैट, वैट के अपने ओके ओके तो ये था, ये पूरा मैंने चेन तक बताया। ओके आईटीसी क्रेडिट आपको बताया, प्राइजेस कम हो जाती है, इसमें हमने इस पर स्पेशल डिस्कशन किया। अब लास्ट टेन मिनट्स मैं जो पढ़ाऊंगा वहां आपको अपना दिमाग ज्यादा लड़ाना नहीं है, बस समझ लो एंटरटेनमेंट चल रहा है, ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, लेकिन मैं जो चीज बताऊंगा वो जिंदगी भर याद रह जाएगी। वो आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, आपको उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है, और आपको जो है यहाँ पे उसके बारे में मुझे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछना नहीं है, क्योंकि वो सारा जीएसटी के पहले का वाला मामला था, और जीएसटी के पहले वाला मामला अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए यहां पे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, सभी ने 10 मिनट्स, ओके एक काम करो सब बुक बंद कर दो तो एक सेटिस्फैक्शन अलग आता है कि अब दिमाग ज्यादा लड़ाना नहीं है, ठीक है, सब बुक बंद कर दो। हाँ आपके डाउट्स क्वेश्चन बाद में, सारे बुक्स बंद कर दो। पर आपकी इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छी बढ़ा दूंगा इस प्रॉब्लम में।
हाँ, प्रॉब्लम ऑफ टैक्स क्रेडिट इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 2017। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखने की बहुत इच्छा होगी तो भी नहीं लिखना है, ठीक है। अभी मैं जो समझाने जा रहा हूं वो सुनिएगा। नाउ गुड्स मतलब बिजनेसमैन ब्रॉडली जो गुड्स और सर्विस के होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, समझ में आया क्या, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेड सर्विस प्रोवाइडर, ओके, और एक होता है क्या बेटा, ट्रेडर, एक होता है ट्रेडर। ये पुरानी डायग्राम है जो मैं यहां ले रहा हूं। नाउ पहले 2017 के पहले जब मैन्युफैक्चरर था, सुनना ध्यान से, 2017 के पहले जो मैन्युफैक्चरर था, तो मैन्युफैक्चर क्या, एक एक इवेंट समझना। मैन्युफैक्चरर उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ओके, रॉ मटेरियल ट्रक में आ रहा है उसके फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगा, अरे आया ना, फिनिश गुड्स बनाएगा, रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदा, सप्लायर भी मैन्युफैक्चर था, कम ऑन, सप्लायर भी मैन। 17 के पहले क्या होता है, जस्ट 10 मिनट, ठीक है। अब देखो क्या होता था यहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरर, यहाँ सुनना, जो मैन्युफैक्चरर गुड्स खरीद रहा है तो गुड्स पे एक्साइज लग के आता था, क्योंकि सप्लायर भी मैन्युफैक्चरर है, अरे है ना, एक्साइज लगता था, और दूसरा कौन सा टैक्स लगता था, वैट। ये क्यों लगता है, समझ में आया आपको, तो समझ लो वैल्यू 1 लाख की है, आई रिपीट, वैल्यू 1 लाख की है, उसके ऊपर एक्साइज कितना, 10,000, वैट 11,000, और वैट के लिए एक्साइज भी ऐड होता था। अच्छा, अगर आप सर्विस खरीद रहे हो, एक मैन्युफैक्चरर सर्विस खरीद रहा है, आई रिपीट, क्या कहा मैंने, सर्विस खरीद रहा है, तो सर्विस खरीद रहा है तो वो केस में क्या लगता था यहां पे, ओके, सर्विस टैक्स, वो केस में क्या लगता था बेटा, सर्विस टैक्स। तो अब मैं यहां दो वर्ड यूज करने वाला हूं, वो गुड्स खरीदता था, गुड्स को नाम था इनपुट, आई रिपीट, गुड्स को नाम था इनपुट, और वो सर्विसेस खरीदता था, सर्विसेस को नाम था इनपुट सर्विस, ओके, सर्विसेस को नाम था इनपुट सर्विसेस, ठीक है। अब ये इनपुट और इनपुट सर्विसेस जो है यहां पे वो खरीद रहा है। अब मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे नंबर ऑफ इनपुट्स खरीद रहा है, नंबर ऑफ इनपुट सर्विसेस खरीद रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, जब इन गुड्स का बिल आ रहा है तो उस बिल में एक्साइज भी लग के आ रहा है और वैट भी लग के आ रहा है, ओके। मुझे बताओ, आपको जो चार्ट बना के दिया था तीन लिस्ट वाला, अरे आया ना, एक्साइज का रेवेन्यू किसका था, अल्कोहल पे सिर्फ स्टेट का था, बाकी पूरा एक्साइज का रेवेन्यू किसका था, सेंट्रल का, अरे यस सर नो, एक उठा उसको, उठा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, उठ जा, मैंने सोने को नहीं कहा, बुक बंद करने को कहा, ठीक है। तो सेंट्रल का रेवेन्यू था, और वैट किसका रेवेन्यू था, स्टेट का। अच्छा, सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था, हाँ, सेंट्रल का रेवेन्यू था, ओके। अच्छा, ये जो थे ये मैन्युफैक्चर के सेल थे या परचेसेस थी, परचेसेस थी, तो गुड्स को इनपुट बोला जाता था, आई रिपीट, गुड्स को इनपुट, और सर्विस को इनपुट सर्विस बोला जाता। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर गुड्स खरीद के, सर्विस खरीद के क्या बना रहा है, गुड्स, अरे है ना, और जब वो गुड्स वापस से मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, आई रिपीट, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगती थी, क्योंकि गुड्स बच सेल कर रहा है तो एक्साइज फिर से लगती थी, अरे आया ना, क्योंकि उसने भी मैन्युफैक्चर किया है और सेल कर रहा है तो क्या लगता था, वैट। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक यहां पे पहले भी क्रेडिट थे, जीएसटी आने के पहले भी क्रेडिट थे, पर क्रेडिट सिस्टम कैसा था, क्रेडिट सिस्टम ऐसा था कि सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में मिलते थे और स्टेट के क्रेडिट स्टेट। अच्छा, मुझे बताओ, ये गुड्स के आउटपुट में एक्साइज है, अरे यस और नो, तो एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो ये एक्साइज के अगेंस्ट में जब वो क्रेडिट लेता था, ओके, तो क्रेडिट परचेसेस का एक्साइज, कम ऑन, आई रिपीट, क्या, परचेसेस का एक्साइज और सर्विस का सर्विस टैक्स, क्योंकि दोनों सेंट्रल थे, दोनों सेंट्रल, तो सेंट्रल के अगेंस्ट में लेस आईटीसी जो मिलता था वो सिर्फ सेंट्रल का ही मिलता था,
अरे ये समझा नहीं समझ, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग लॉस थे, साइमल्टेनियस नहीं था। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो और इसके ऊपर जो वैट लगता था, आई रिपीट, जिसके ऊपर जो वैट लगता था, वैट के अगेंस्ट में सिर्फ किसके क्रेडिट मिलते थे, वैट के, वैट के। तो स्टेट के अगेंस्ट में स्टेट के मिल रहे हैं, सेंट्रल के अगेंस्ट में सेंट्रल। अब समझ लो यहां पे सर्विसेज ले लो। ओके, तो अगर हम सर्विसेज की बात करें, ये समझ में आया क्या? तो अब समझ लो मैं सर्विस प्रोवाइडर, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो सर्विस में मैंने कैमरा खरीदा, मैंने बेंचेस खरीदे, मैंने सर्विस खरीदी, ये समझ में आया क्या? तो मैंने जब गुड्स खरीदे तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, और मैं जब गुड्स खरीद रहा हूं और मैन्युफैक्चरर से बेंचेस खरीद रहा हूं, मैन्युफैक्चरर से कैमरा खरीद रहा हूं, तो बताओ क्या लग के आ रहा है इसके ऊपर? गुड्स खरीदा ना, तो क्या लग के आया? एक्साइज। और क्या लग के आया? वैट। एक्साइज और सर्विस मैंने किसी से ली? फैकल्टीज की सर्विस ली, बाकी कोई सर्विस ली, और सर्विस अगर मैंने किसी से ली तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स। अरे है ना। ओके, और मैं आउटपुट में क्या दे रहा हूं बेटा? आउटपुट में गुड्स दे रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। तो सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस पे कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स। लेकिन अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे परचेसेस पे एक्साइज सेंट्रल टैक्स था, वैट भी लगता था, कौन सा? स्टेट टैक्स। अरे है ना। ओके, मेरी जो सर्विसेस होती थी तो वो सर्विसेस की अगर हम बात करें तो वो सर्विसेस पे कौन सा टैक्स लग के आता था? सर्विस टैक्स। ये सबको क्लियर हुआ? सर्विस टैक्स। लेकिन मेरे आउटपुट में अगर देखा जाए तो मेरे आउटपुट में सिर्फ क्या है बेटा? सर्विस टैक्स। तो मुझे सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में सिर्फ सेंट्रल के क्रेडिट मिलते थे। सेंट्रल के क्रेडिट मिल रहे मतलब एक्साइज का मिल रहा, अरे है ना, और सर्विस टैक्स का मिल रहा, वैट का क्रेडिट मुझको नहीं मिल रहा। ओके, वैट का क्रेडिट मुझको नहीं मिल रहा, क्लियर। तो यहां सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रॉब्लम यह था कि उसके पूरे क्रेडिट उसको सेट ऑफ करने नहीं मिलते, और वैट का अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो इट बिकम कॉस्ट, और वो कॉस्ट हो रहा है तो वो केस में लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि उसके आउटपुट में सेंट्रली था। समझ में आया क्या? उसके आउटपुट में सेंट्रल, और वैट का क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके आउटपुट में स्टेट टैक्स नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर। अब तीसरी कम्युनिटी लेता हूं, ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर? मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स बनाता है, तो ट्रेडर परचेस करके सेल कर। अब देखो यहां पर अगर हम ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर समझ लो कार का ट्रेडर है, मारुति उद्योग से कार खरीद रहा है जो मैन्युफैक्चरर है, क्या लग के आ रहा है उसके ऊपर? एक्साइज। क्या लग के आ रहा है उसके ऊपर? वैट। और ट्रेडर सर्विसेज भी लेता है, आई रिपीट, ट्रेडर सर्विसेज, तो क्या लग के आ रहा है? सर्विस टैक्स। तो उसके इनपुट में तीन टैक्सेस थे, बताओ कौन से तीन टैक्सेस थे? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। एक्साइज किसका था? सेंट्रल का। सर्विस टैक्स किसका था? सेंट्रल का। और वैट किसका था? स्टेट का। लेकिन ट्रेडर को एक्साइज तो लगता नहीं था। जब वो कार बेच रहा है बेटा, ट्रेडर जब कार आगे बेच रहा है तो सेल करते वक्त एक ही टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स लगता था? वैट। ओके, वैट लग रहा, और अगर उसके आउटपुट में एक ही टैक्स है, कौन सा टैक्स है? वैट, तो उसको क्रेडिट सिर्फ वैट के मिलते थे। उसको क्रेडिट सिर्फ किसके मिलते थे? वैट के। एक्साइज के क्रेडिट मिलते नहीं थे, सर्विस टैक्स के क्रेडिट मिलते नहीं थे। अच्छा, क्रेडिट नहीं मिल रहे तो फिर क्या होगा? इट बिकम कॉस्ट, परचेस कॉस्ट हो जाती है वो, और परचेस कॉस्ट हो गई तो फिर लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर विन विन था। क्यों मैन्युफैक्चरर विन विन था? क्योंकि उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था, उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था और स्टेट भी था, तो उसके सारे एडजस्ट हो रहे हैं इनपुट टैक्सेस। ये समझा नहीं समझा? जहां तक सर्विस प्रोवाइडर देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर में आउटपुट में सिर्फ सेंट्रल था, तो उसका सेंट्रल एडजस्ट हो रहा है, स्टेट वैट एडजस्ट नहीं हो रहा है। और ट्रेडर तो सबसे ज्यादा नुकसान में था। कैसे नुकसान में था ट्रेडर? उसका सिर्फ वैट एडजस्ट हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों एडजस्ट हो रहे थे। अरे है ना, ट्रेडर का सिर्फ वैट एडजस्ट हो रहा है, मतलब उसका एक्साइज बिकम कॉस्ट और दूसरा क्या बेटा? सर्विस टैक्स बिकम कॉस्ट। तो इसमें सारी मार्केट जो था इतना डिवाइडेड मार्केट था कि मैन्युफैक्चरर को सारे क्रेडिट्स मिलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को वैट का क्रेडिट नहीं मिलता है, और ट्रेडर को एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है।
समझ में आया क्या? एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट, क्यों? क्योंकि ट्रेडर के आउटपुट में वैट ही होता था। तो यहां पे ये ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, ये इंडिया का कैसा सिस्टम है, अगर हमारे भी आउटपुट में सेंट्रल भी होता और क्या स्टेट भी होता तो हम भी सारे क्रेडिट ले सकते थे, हमारी प्राइस कम कर सकते थे। अरे आए ना, सर्विस प्रोवाइडर भी उसके आउटपुट में सिर्फ सर्विस टैक्स ही था, इसके वजह से उसको भी प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी आने का फायदा क्या हुआ, क्रेडिट मैकेनिज्म में जीएसटी आने का फायदा यह हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब हटाओ, एक्साइज वैट, अरे आए ना, सर्विस टैक्स, और पिक्चर में सिर्फ एक ही टैक्स लाओ, क्या जीएसटी, मतलब अब वन नेशन वन टैक्स, और मार्केट अलग अलग नहीं हो गए, सबको एक ही मार्केट माना जाएगा। अरे है ना, और अब जीएसटी आने के बाद अगर ये मैन्युफैक्चरर खरीद रहा है तो एक्साइज वैट लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा, फिर वो डिवाइड होगा सीजीएसटी एसजीएसटी में, समझ में आया क्या? पर क्या लगेगा बेटा, जीएसटी। उसने अगर सर्विस खरीदी तो सर्विस टैक्स लगेगा या जीएसटी लगेगा, और अगर उसने गुड्स बेचा तो एक्साइज वैट लगेगा या जीएसटी लगेगा, ओनली जीएसटी। और अब ये जीएसटी में दोनों जीएसटी के क्रेडिट्स, अरे हाँ या ना, सर्विस प्रोवाइडर, समझ लो सर्विस प्रोवाइडर यहां पे ले लेते हैं, वो गुड्स खरीदा क्या लगेगा, जीएसटी, वो सर्विस खरीदेगा क्या लगेगा, जीएसटी, वो सर्विस देगा क्या लगेगा, जीएसटी, और जीएसटी के अगेंस्ट में पूरा क्रेडिट जीएसटी। क्या फायदा हुआ सर्विस प्रोवाइडर को बोलो, जो वैट का क्रेडिट पहले नहीं मिलता था क्या जीएसटी का मिल जाएगा, और ट्रेडर्स ये तो सबसे ज्यादा खुश हो गया, क्यों, क्योंकि वो गुड्स खरीदता है तो क्या लगेगा, जीएसटी, सर्विस खरीदता है तो क्या लगेगा, जीएसटी, और सप्लाई करेगा तो क्या लगेगा, जीएसटी, और ट्रेडर को पूरा क्रेडिट मिलेगा। यानी आज जो है वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर क्या बेटा ट्रेडर हो, जीएसटी ही लगेगा और उसको सारे क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये 10 मिनट का एक पुराना मैकेनिज्म जीएसटी के आने के बाद कैसे बदला ये मैंने आपको समझाया। नाउ आगे का डिस्कशन और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, टुमारो शार्प एट 10:30। ये नहीं भी समझा होगा तो लिव इट, क्यों, क्योंकि अब नया सिस्टम आ चुका है, और कौन सा नया सिस्टम आ चुका है, जीएसटी। सो थैंक यू सो मच, बाय, बोलो बच्चों, चलो। यस बेटा, जीएसटी का भी क्रेडिट मिलता है, सर जीएसटी में फ्रॉड कैसे होता है, पहले जीएसटी समझ ले बाद में फ्रॉड समझाता हूं। नहीं, ये स्लाइड आपको लिखो भी मत, कुछ भी मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, दीपांशु वो बाद में बताऊंगा। क्लास नोट चैप्टर वाइज आएंगे बेटा, चैप्टर होने के बाद। क्रेडिट मतलब जो परचेस किया उसका सेट ऑफ, आज क्रेडिट नहीं समझा होगा तो क्रेडिट मतलब जो परचेस पे लगा हुआ टैक्स का सेट ऑफ नहीं समझा होगा तो आप जितना भी मैंने सॉल्व करवाया है वो अच्छे से प्लान करो। मीत में मैं बाद में बताऊंगा, क्रेडिट का मतलब ईशा परचेस पे लगा हुआ टैक्स का सेट ऑफ मतलब क्रेडिट। कौन सा लास्ट एग्जाम्पल बेटा, नहीं नहीं वैट
ऑन सेल था, जीएसटी अलग है। थोड़ा आगे डिस्कशन को बढ़ने दो, कल और रिवाइज करवाऊंगा। ओके, डोंट वरी। अगर कोई स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आईटीसी कॉन्सेप्ट है ही वैसा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आगे और अच्छे से कवर करूंगा। ईवे बिल अभी नहीं बताओगा बेटा, बाद में कवर होगा। जो भी YouTube पे कनेक्टेड है ऑर्डर आईडी टाइप करें, YouTube पे जो कनेक्टेड है ऑर्डर आईडी टाइप करें। वैट अलग, जीएसटी अलग, वैट गया बेटा। हाँ, पहले मिलता था एक्साइज का भी क्रेडिट, अब तो जीएसटी आ गया बेटा। हाँ, जीएसटी में पूरा क्रेडिट मिल जाता है। थोड़ा रुक जाओ, क्रेडिट से रिलेटेड कल और मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा, क्रेडिट से रिलेटेड कल लूंगा। अल्कोहल में एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते, डबल टैक्सेशन होता है। सर्विस प्रोवाइडर को भी क्रेडिट मिलते थे, लेकिन अब तो जीएसटी आ गया ना बेटा, तो जीएसटी में तो अब सबको क्रेडिट मिल जाता है। नहीं, एक बार जो भी मैंने सॉल्व किया, आप रिलैक्स, आज का होमवर्क ही आपको यह है कि जो भी मैंने आज आईटीसी का प्रॉब्लम लिया, आप रिलैक्स मोड में देखो उसको, रिलैक्स मोड में देखो उसको। प्रिंस, इसका एग्जाम मैं आगे कवर करूंगा डिस्कशन। अब वैट सिर्फ लिमिटेड गुड्स पे लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, बस ये 6 गुड्स पे ही वैट लगता है, क्योंकि वो जीएसटी में नहीं है। ठीक है, कल मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो आपके कोई डाउट्स क्वेश्चन हो गए तो कर ले सकते हैं। एग्जाम आंसर बेटा मैं बताऊंगा धारा कैसे लिखना चाहिए, डोंट वरी फॉर दैट। अब तो क्रेडिट सबको ही मिलेगा ना बेटा, क्रेडिट सबको मिलेगा अभी। चलो, नवंबर एंड तक चलेगा बेटा क्लास हमारा, नवंबर एंड तक चलेगा। लंक्षा लिखांक्षा, ओके लिखांक्षा, कल मैं जब रिवाइज करूंगा तब वापस पूछ लेना। चलो यहां रुकते, ठीक है, बंद करूंगा।